डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैक्ट पे। दोस्तों, अगर आप लोग साल 2014 में रिलीज हुई हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इस मूवी ने साल 2014 में कितने कमाई किया था रिलीज होने के बाद, और दोस्तों ये फिल्म हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था, इसकी जानकारी भी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो दोस्तों अगर आप भी हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं विस्तार में हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई भारतीय एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद और बोमन ईरानी इस फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दिए है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म में आपको जय किशरफ भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में, तो दोस्तों इसे यशराज फिल्म द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था। दोस्तों फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद को एक ऐसी टीम में बदल लेता है जो शहर और दुनिया भर में लोगों के दिलों में जीत हासिल करता है। दोस्तों ये सब अब तक जो है देखी गई सबसे बड़ी हीरो की चोरी वाली फिल्म है। आपको बता दे सबसे पहले इस फिल्म को बनाने में 150 करोड़ रूपए खर्च हुए है, जो हम यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 24 मिलियन के कुल बजट पर इस मूवी को बनाया गया था। मुख्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक के तीसरे सहयोग को चिन्हित किया है। उन्होंने पहले दोस्तों मैं हूं फिल्म 2004 और इसके अलावा ओम शांति ओम 2007 में काम किया था, जिनमें से बाद में दीपिका पादुकोण ने फिर से इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ तीसरी बार नजर आई थी। इसके अलावा दोस्तों बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी साल 2014 में। दिवाली के मौके पर 2014 को तमिल और तेलुगु में डब किए गए संस्करणों के साथ फिल्म को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। स्क्रीन के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म को हिंदी में 4200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। अलावा दोस्तों अन्य तमिल और तेलुगु भाषा के बारे में हम बात करें तो 800 स्क्रीन पर तमिल और तेलुगु भाषा में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। साथ दोस्तों फिल्म के बारे में रिपोर्ट किया गया है कि ये फिल्म स्क्रीन प्राप्त करने में सबसे अधिक और सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी फिल्म थी साल 2014 में। इसके अलावा दोस्तों समीक्षकों के बारे में हम बात करें तो दोस्तों रिलीज होने के बाद इसे समीक्षकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली, जिन्होंने फिल्म के कलाकारों के प्रदर्शन और विशेषकर शाहरुख खान और बच्चन की साउंड आर्ट हास्य सिनेमेटोग्राफी के बारे में इस फिल्म के बारे में अच्छा रिव्यू दिया है। फिल्म के सीक्वेंस के बारे में हम बात कर ले तो एक्शन सीक्वेंस, प्रोडक्शन डिजाइन और विजुअल इफेक्ट की सराहना की गई थी, लेकिन दोस्तों फिल्म के लेखन और लंबाई और गति की आलोचना भी किया गया था। और इसने अपने पहले दिन में भारत में 25 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था, जो यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो 4.1 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। और दोस्तों ये फिल्म अंत तक दुनिया भर में 394 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 64 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई किया था डॉलर में। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म को 60वें फिल्म फेयर पुरस्कार में हैप्पी न्यू ईयर को 2 नामांकन मिले थे। सबसे पहले दोस्तों अभिषेक बच्चन को सहायक कलाकार के लिए इनको अवार्ड दिया गया था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए। इसके अलावा दोस्तों श्रेया घोषाल को फिल्म के साउंड आर्ट के लिए दिया गया था, इनके सिंगिंग के दिए गए थे। इसके अलावा दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया था और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दीपिका पादुकोण को दिया गया था इस फिल्म के जरिए। और दोस्तों इस फिल्म ने काफी शानदार कमाई किया था और 2014 की सबसे अधिक कमाई करने वाली ये फिल्म साबित हुई थी। अलावा दोस्तों इस फिल्म के बारे में रिपोर्ट किया गया है, सबसे पहले दोस्तों अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, जूही चावला और मनीषा कुराला के साथ अमिताभ पटेल, प्रियंका चोपड़ा, रवीना टंडन और जयाद खान जैसे कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म की योजना पहले बनाया गया था, जो 2005 में ही शुरू होने वाली थी फिल्म की शूटिंग, लेकिन दोस्तों फिल्म को अज्ञात कारणों से रोक दिया गया था और इसके बजाय जो है फराह खान ने ओम शांति ओम फिल्म पे काम किया, जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। 2007 में इन्होंने ओम शांति ओम फिल्म बनाई थी, जिसमें खान और दीपिका पादुकोण अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। और दोस्तों ये फिल्म अपनी जो है फिल्म तीस मार खान 2010 के बाद फराह खान ने इस फिल्म के बारे में योजना बनाई थी, इसके लिए इन्होंने शाहरुख खान और कई सारे स्टार कास्ट को फिल्म में अभिनय करने के लिए इन्होंने साइन किया।
इसके बाद दोस्तों फिल्म के बारे में रिपोर्ट किया गया है। जब फिल्म को पुनर्जीवित किया गया था तो फिल्म निर्माता फराह खान ने साथ ही साथ मुख्य भूमिकाओं में एक स्थापित अभिनेत्री चाहती थी, जो दिसंबर 2012 में मीडिया ने बताया था कि निर्माता ने इस भूमिका के लिए प्रियंका चोपड़ा से संपर्क किया था। इसके बाद दोस्तों फिर से बताया गया था जो पदकथा में बदलाव के बाद फिल्म के लिए उनकी पहली पसंद थी हालांकि चोपड़ा, लेकिन दोस्तों तारीखों के मुद्दों के हवाले इसमें दीपिका पादुकोण को साइन किया गया था। इसकी वजह से दोस्तों दीपिका पादुकोण फिल्म में शामिल हुई थी, लेकिन दोस्तों जैसे कि आपको पता है सोनाक्षी सिन्हा, उनके अलावा असीन, ऐश्वर्या राय बच्चन और परिणीति चोपड़ा जैसे कई स्टार कास्ट को पहले साइन किया जाना था, लेकिन इन सभी ने फिल्म में अभिनय करने से इनकार किया। दोस्तों बताया गया है साल 2013 में चेन्नई एक्सप्रेस मूवी के शाहरुख खान के साथ उनकी तीसरी फिल्म थी दीपिका पादुकोण की। शाहरुख खान को फिल्म में एक चोर कलाकार की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। इसमें दीपिका एक मराठी नर्तकी की भूमिका में नजर आने वाली थी, ये भी बताया गया था। दोस्तों एक समय पर जॉन अब्राहम को एक सहायक भूमिका निभाने के लिए बात किया गया था, लेकिन दोस्तों इस भूमिका के लिए सोनू सूद से संपर्क कर लिया गया। इसके बाद दोस्तों बोमन ईरानी की पुष्टि निर्देशक ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था, जहां पे अगस्त 2013 में जैकी श्रॉफ को फिल्म के प्रतिपक्षी की भूमिका के लिए अंतिम रूप दिया था। इसके अलावा दोस्तों बात करें निर्देशक के बारे में तो निर्देशक के भाई साजिद खान अतिथि भूमिका में होंगे, ये भी बताया गया था। और अभिनेत्री मलाइका अरोरा यहाँ पे शाहरुख खान को भी कैमियो में शामिल होते हुए दिखाई देंगे, ये भी बताया गया था। इसके बाद दोस्तों विवान शाह को एक कंप्यूटर हैकर की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। अभिनेता निर्देशक प्रभु देवा ने कैमियो में एक नृत्य प्रस्तुत किया है फिल्म के अंदर। दोस्तों फराह ने ट्विटर पर आधिकारिक घोषणा की फिल्म के बारे में बताया, फिल्मांकन का पहला शेड्यूल नवंबर 2013 की शुरुआत में दुबई में शुरू होगा। इसके अलावा दोस्तों अरेबियन जो है बिजनेस ने बताया था कि फिल्म का एक बड़ा जो है हिस्सा प्रतिष्ठित अटलांटिक जो है द पाम में शूट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों 23 जनवरी 2014 को शाहरुख खान मुंबई के JW मेरिट होटल में शूटिंग के दौरान घायल हो गए थे। इसके बाद हालांकि शुरुआत में उसे नाबालिग बताया गया था, जहां पे नाबालिग बताया गया था इस घटना के बाद, और उसके कंधे की हड्डी टूट गई थी और बाएं घुटने की पटेला फट गई थी। इसके बाद दोस्तों महबूब स्टूडियोज को प्रमुख स्थानों में से एक के रूप में इस्तेमाल किया गया शूटिंग करने के लिए, जबकि कुछ हिस्से जो है बिलंस कॉलेज के पास भी फिल्माए गए थे। और अंतिम कार्यक्रम के बारे में हम बात करें तो अगस्त 2014 में पूरा किया गया था। फराह खान चाहती थी कि शाहरुख खान अपने बाल लंबे करे इस फिल्म में, ताकि इस फिल्म में और भी ज्यादा हैंडसम दिख सके। फैंस इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को, जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। तो फैंस ये फिल्म कौन सी आपको कहां पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं, तो फैंस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब दोस्तों फिल्म के प्रचार के लिए कलाकारों के हस्तलेखन में लिखे गए डिजिटल रूप से यहीं पे व्यक्तिगत जो है पोस्टर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराए गए थे। अभिनेता शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, बोमन ईरानी, सोनू सूद और विवान शाह की टीम अपनी फिल्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध भारतीय टेलीविजन शो तारक मेहता उल्टा चश्मा पर गए थे। इसके बाद दोस्तों रैपर योयो हनी सिंह और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म के कलाकारों और क्रू ने इस लैम जो शीर्षक से एक प्रमोशनल टूर पाया था। यहाँ पे आपको बता दें ह्यूस्टन ने 19 सितंबर से शुरू होकर ये न्यू जर्सी जो है वाशिंगटन, टोरंटो और शिकागो में इस फिल्म के लिए प्रचार किए गए थे। फाइनली दोस्तों 13 अक्टूबर 2014 को एंड्रॉइड और iOS के लिए हैप्पी न्यू ईयर द गेम नामक जो है फिल्म पर आधारित एक आधिकारिक जो है गेम जारी किया गया था। इसके बाद दोस्तों इसे प्रोडक्शन कंपनी और गेम शस्त्र इंडिया, एक भारतीय खेल कला और इसके अलावा आउट सोर्सिंग स्टूडियो के सहयोग से बनाया था। यशराज फिल्म को दुनिया भर में वितरण अधिकार 1.25 बिलियन यूएसए में कन्वर्ट करे तो 20 मिलियन यूएसए डॉलर में इसको बेचे गए थे। अधिकार सेटेलाइट अधिकार के बारे में हम बात करें तो जी नेटवर्क को बेचा गया था 650 मिलियन में यहाँ फैन से। और दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये बॉलीवुड की फिल्म थी 2014 में। दुनिया भर में 394 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था इस फिल्म ने। और दोस्तों इन पैसों को अगर हम यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 64 मिलियन से अधिक की कमाई किया था डॉलर में, जो इसे अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनाती है। दोस्तों फिल्म के बारे में रिपोर्ट किया गया है
हैप्पी न्यू ईयर ने 44.97 करोड़ का संग्रह करके एक रिकॉर्ड बनाया था और ये एक ही दिन में आंकड़े तक इतना पहुंच गया था। जो ये फिल्म पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई जहां पे आमिर खान, अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ और फातिमा सनत से अभिनीत की गई 2018 की दिवाली रिलीज जो है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान धारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था इस फिल्म ने, जिसने पहले दिन जो है 52 करोड़ का संग्रह किया था, जो वर्तमान में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए दूसरा सबसे बड़ा कमाई करने वाला फिल्म है और ये रिकॉर्ड युद्ध धारा तोड़ दिया गया जिसने जो है संग्रह किया था 53 करोड़ से अधिक। फिल्म ने शनिवार को 285 मिलियन नेट कमाई किया था, जिसकी वजह से फिल्म में थोड़ा सा गिरावट देखा गया था रविवार को। कुल मिलाकर दोस्तों फिल्म ने 394 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर लिया था 2014 में और ये कमाई बहुत ज्यादा होता है किसी हिंदी फिल्म के लिए। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की ओवरसीज कलेक्शन के बारे में। दोस्तों फिल्म ने विदेशों में अपने थिएटर रन के अंत में फिल्म ने विदेशी बाजार में 16 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई किया था, जो हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 102 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था इसने ओवरसीज में। दोस्तों फिल्म 12 फरवरी 2015 को चीन में रिलीज हुई थी और चीन में 3 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था और दोस्तों फिल्म को भारत और विदेशों में समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं देखने को मिली। इसकी वजह से फॉरेन समीक्षकों के आधार पर रोटन टमाटोज पर इसकी 57 रेटिंग देखा गया है, जबकि मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन और हास्य सामग्री को प्रशंसा मिली थी। चरित्र विकास की कमी हुई थी ये भी बताया गया था और अनौपचारिक जो है कथानक को आलोचना भी मिला था। CNN IBN के राजीव मंसद ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा है कि टिप्पणी की हैप्पी न्यू ईयर देखते समय आप बारी बारी से खुद को जो हंसते और रोते हुए पाएंगे। इसमें निर्देशक जो है फराह खान कुशलता से एक अंतरराष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता परिदृश्य के खिलाफ एक चोरी की साजिश रचती है और ये एक है जहाँ पे जिज्ञासु आधार और फरहा जो है कई सम्मान के साथ तत्वों को लाती है फिल्म में, जो उसने मैं हूं ना फिल्म और ओम शांति ओम में अच्छे उपयोग के लिए लागू किया था, जहाँ पे 1870 के दशक के लिए बहुत सारे आत्मा संदर्भित किए गए थे फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म को रिव्यू करते हुए बॉलीवुड और कभी जो है कभार खुद पर हंसने की क्षमता भी बताया गया। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा ये फिल्म उन्मत्त जो है शोरगुल के साथ भड़कीला और मोटे तौर पर जो आनंदहीन है। फरहा चोरी की पारंपरिक जो है फिल्म का ढांचा तो लेती है और प्रतिशोध जो है मेलोड्रामा कॉमेडी और रोमांस जो है अनगिनत इसमें देखने को मिलते हैं। फिल्म में नृत्य काफी अच्छे हैं और चरमोत्कर्ष के रूप में देशभक्ति की खुराक इसमें रखा गया है। इंडियन एक्सप्रेस के सौरभ गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और इसे मेरा भारत महान भावनाओं वाली फिल्म बताया और एक महासागर के वजह से 11 से लेकर 12 और फ्लैश इसका जो फ्लैश डॉन्स के बीच एक क्रॉस बताया गया था। जो रेडिफ ने फिल्म को रिव्यू किया और इन्होंने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा यह फिल्म शुरू से ही नकल की तरह चलती है, जहां एक विशाल जो है लड़क जहां कुछ भी गंभीरता से नहीं लिया जाता है फिल्म में। इसके बाद दोस्तों फिल्म को NDTV ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा कि उन्होंने 2 स्टार रेटिंग दिया और कहा बॉक्स ऑफिस पे कमाई के बावजूद इस फिल्म में पेश करने के लिए कुछ भी नया नहीं है। पासपोर्ट के मिहिर कडन विशन ने कहा फिल्म एक मोह वीडियो प्रोजेक्ट की तरह दिखता है जो यहां पे महसूस होती है, जो पूरे ब्रह्मांड में 2 लोग पर फरहा और शाहरुख खान द्वारा प्रशंसा के लिए बनाई गई थी। यहां पे बता दे ओसंस 11 और यहां पे बबून द्वारा फिर से लिखी गई थी। यहां पे दोस्तों प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वर्ष ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिया, जहाँ पे मौलिकता पर लेते हुए कहा था कि मौलिकता क्या है, हैप्पी न्यू ईयर ये हैप्पी न्यू ईयर फिल्म जो है फराह खान की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक मूवी है, 2014 में रिलीज हुई। इसके बाद दोस्तों रॉयटर्स की शिल्पा जामखंडीकरन ने कहा था फिल्म ने उदारता पूर्वक जो है हॉलीवुड की हिस्ट जो है फिल्मों से उधार लिया है, जो विशेष रूप से H1 इसके अलावा शोर्ड वर्ग की ओशन के साथ 11 से पहले छमाई हल्की और कई बार जो है वास्तव में मजा किया है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे दूसरी छमाई बढ़ती जाती है कार्यवाही निरस हो जाती है इस फिल्म की। इसके बाद दोस्तों हॉलीवुड रिपोर्टर्स की लिसा तसेरिंग ने फिल्म को रिव्यू करते हुए समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि ये फिल्म एक महत्वाकांक्षी संगीतमय और एक प्रेम कहानी और एक महासागर की फिल्म है जो 11 शैली की अपराध शरारत के रूप में है। डॉन ने यहाँ पे कहा था कि सामी जो है कहर ने फिल्म को 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार दिया और कहा फिल्म ओशंस यानी कि 11+ जो है इटालियन के साथ जॉब प्लस स्टेप अप के ऑल इन वन के लिए ऑल इन वन सस्ते जो है आकार बिगड़ते एक्सटीरियर दिखाए गए हैं फिल्म के अंदर। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फिल्म की हिस्टोरी के बारे में।
दोस्तों फिल्म में सबसे पहले देखने को मिलता है चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है और दोस्तों दिखाया गया है जो 8 साल से पर्स सुरक्षा आपूर्तिकर्ता और सानी मार्जुए सिक्योरिटीज के मालिक चरण ग्रोवर से बदला लेने के लिए तड़प रहे हैं। ग्रोवर ने चार्ली के पिता मनोहर शर्मा को गलत तरीके से एक चोर के रूप में गिरफ्तार किया था क्योंकि ग्रोवर ने मनोहर को $15 मिलियन के अपने हीरो को चुराने के लिए उकसाया था। यहाँ पे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 300 करोड़ रुपए यानी कि $39.48 मिलियन के हीरे यानी कि अटल लोटिस होटल दुबई पहुंचेंगे ये खबर मिली। चार्ली जो है हीरे चुराना और ग्रोवर को फ्रेम करना चाहता है, इसे पूरा करने के लिए वह एक टीम बनाता है। पूर्व कप्तान जो है जगमोहन जगप्रकाश सुनने में कठोर व्यक्तित्व होते हैं क्योंकि यहाँ पे टे मत यानी कि टेमिलो और टेमी ईरानी एक बूढ़ा और जबकि जो है परवाना सुरक्षा कर्मी मोहन का सबसे अच्छा दोस्त था। रोहन सिंह एक युवा बुद्धिमान हैकर है जो कि जग का भतीजा है और यहाँ पे चरण के बेटे विक्की ग्रोवर के हम जकल नंदू भी इसमें शामिल है। अब दोस्तों चार्ली ने टीम को समझाया कि होटल में कमरा 9C जो है तिजोरी से जुड़ा है जो एक डॉक्ट सिस्टम के माध्यम से हीरे रखा गया है। हालांकि कमरा 9C वर्ल्ड डांसवे चैंपियनशिप जिसकी वजह से WDC में भाग लेने वाली टीमों के लिए जो है यहाँ पे आरक्षित है। समूह ने तुरंत जो है WDC में शामिल होने से इनकार कर दिया और ये जो है इंगित करते हुए कि उनमें से कोई भी जो है नर्तक नहीं था, लेकिन चार्ली ने समूह को फिर से प्रेरित किया और उन्हें एक नृत्य टीम बनाने के लिए फिर से जो है बात किया। इसके बाद दोस्तों देखने को मिलता है कि एक फ्लैशबैक से ये पता चलता है कि चरण ग्रोवर ने मनोहर से मुलाकात की और उन्हें एक अभेक तिजोरी शामिल करने के लिए और बनाने का ठेका दिया। तिजोरी पूरी होने के बाद चरण ने मनोहर को यहाँ पे नशीला पदार्थ पिलाया और अपनी जो उंगलियों के निशान का इस्तेमाल करके हीरे चुराने के लिए राजी कर लिया। यहाँ पे दोस्तों समूह बिना किसी लाभ के नृत्य प्रशिक्षक को यहाँ पे नियुक्त करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हताशा में नंदू चार्ली को एक मराठी बार जो है डांसर मोहिनी से मिलवाया जाता है जो चार्ली के अंग्रेजी उच्चारण से प्रभावित होती है और वह अंत तक उनके इरादों से अनजान है क्योंकि उन्हें नृत्य सीखने में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। चार्ली और मोहिनी बहुत करीब आ जाते हैं। इस बीच अब दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है कि वो पहले के दौर में यानी कि आहारता प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं और अंत तक हैकिंग के माध्यम से वोट प्राप्त करके WDC में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने की प्रतियोगिता जीतते हैं। इसके बाद दोस्तों कई दर्शक जो है उनके कौशल की कमी के लिए उनका जो है तिरस्कार करते हैं, लेकिन चार्ली और उनकी टीम मोहिनी के बिना सभी जो है केवल यानी कि डकैती से चिंतित है। दुबई में टीम जो है कोरिया विशेष रूप से टीम इंडिया के प्रति शत्रुतापूर्ण है जिसमें उनमें प्रयोजक जो है गुरुवा भी शामिल है। इसकी वजह से सेमीफाइनल में चार्ली एक कोरियाई टीम के सदस्य को एक डांस स्टंट के दौरान गंभीर चोट से बचाता है, दर्शकों से तुरंत जो है सम्मान प्राप्त करता है और प्रशंसा प्राप्त करता है। योजना पर जाने के बाद सब कुछ जो है तैयार है। यहाँ पे दुर्भाग्य से टीम को पता चलता है कि हीरे जो है क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या पर पहुंचेंगे जो डकैती को रोका जाता है, जिसकी वजह से सौभाग्य से चार्ली की कार्रवाई से न्यायाधीश के प्रभावित होने के बाद जो है भारत फाइनल में पहुंच गया। एक दिन डकैती के बारे में सुनकर मोहिनी खत्म हो जाती है और जाने के लिए मुड़ जाती है। चार्ली उसे सब कुछ बताता है और बताता है कि मनोहर वास्तव में मर चुका है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मुकदमे की अपील की, लेकिन दोस्तों गुरुवार ने मनोहर के वकीलों को रिश्वत दी और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। मनोहर ने पूरी उम्मीद खोते हुए अपनी कलाई काट ली थी। इसकी वजह से हालांकि इससे मनोहर का बदला लेने के लिए टीम का दृढ़ संकल्प बढ़ जाता है और वह एक खास से पल साझा करते हैं और जहां पे मोहिनी उनकी मदद करने के लिए फिर तैयार हो जाती है। अंतिम दौर के रात दोस्तों यहां पे डकैती शुरू होती है, लेकिन मोहिनी विक्की को लिफ्ट में यहां पे फुसलाती है। फुसलाने के बाद वहां पे उसे जो है खटखटाया जाता है और उसका अंगूठा जग धारा लिया गया है और यहाँ पे नंदू द्वारा उपयोग किया जाता है अंगूठा को जो कक्ष जो है यानी कि खोलता है और यहीं पे टेमी जो है सफलतापूर्वक तिजोरी खोल लेता है। हालांकि दोस्तों चार्ली और यहीं पे टेमी को एक और जो है ग्लास तिजोरी मिलती है जिसमें जो है हीरे रखे गए हैं। इसे मनोहर ने बनाया था और इसमें जो है 7 अक्षर का पासवर्ड था। चार्ली ने तिजोरी खोली और ये महसूस करते हुए कि तिजोरी खोलने का पासवर्ड उसका अपना नाम था। हीरे चुराने के बाद टीम नाव पर चढ़ जाता है, लेकिन मोहिनी आने से मना कर देती है और वह बताती है कि जीवन में सबसे जरूरी चीज है सम्मान,
पूरा भारत उनका समर्थन कर रहा था और वह भारत का सम्मान खोने नहीं दे रही थी। रोहन भी उसका साथ देता है जिससे बाकी सदस्यों के बीच जो है लड़ाई हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जब टीम इंडिया जो है गायब पाई जाती है तो गुरुवर का दावा है कि चोर वही है। मोहिनी मंच पर आती है इस बीच और कुछ जो है मिनटों के लिए अकेले ही परफॉर्म करती है। इसके तुरंत बाद टीम के अन्य सदस्य चौंकाने वाले गुरुवर दिखाई देते हैं। चार्ली अंत में प्रकट होता है और टीम जो है प्रतियोगिता जीत जाती है। चरण और यहीं पे विक्की जो है गुरुवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। चार्ली ने खुद को चरण के सामने प्रकट किया और उसकी जो है जेब में रख दिया था हीरा। उसी रेजर के साथ जो है ब्लेड से मनोहर ने उसकी कलाई काट दी थी और वह यहाँ पे देखता है कि पुलिस उसे ले जाती है। इसके बाद दोस्तों उसका बदला पूरा हो गया और टीम इंडिया जो है एयरपोर्ट पहुंच गई है। चार्ली अपने शीतल जो है पेय में हीरो को छलनी कर लेती है लेकिन सुरक्षा गार्ड इसे नष्ट कर देते हैं जिससे जो है टीम तबाह हो जाती है। हालांकि बाद में उड़ान के दौरान चार्ली ने खुलासा किया था कि उसने जो है नकली हीरो को असली के साथ ट्रॉफी पर बदल दिया था और टीम जो है भारत पहुंच जाती है। क्रेडिट के बाद के दृश्यों में नंदू को विजेताओं का चेक दिखाने के लिए बैंक से बाहर निकाल दिया जाता है। रोहन अंत में लड़कियों के बीच अबार के साथ जो लोकप्रियता हासिल करता है जबकि दोस्तों यहाँ पे जग पहले बनाई जाती है। फिल्म का निर्देशक जो है करते हैं जिसमें मूल निर्देशक बम नियंत्रक जो है होता है जो जग ने पहले किया था। टैमी के पास अब कई जो है बुजुर्ग महिलाएं अपने नायक के रूप में उसका पीछा कर रही है। लंबी साजा पाने के बाद चरण और विक्की गुरुवार अब दुबई शहर की जेल में अपनी बेगुनाही की गुहार लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन मोहिनी अपना खुद का जो है डांस स्कूल खोल लेते हैं उन पैसों से और चार्ली एक हीरे से बने अंगूठी के साथ उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। फिल्म इसी के साथ समाप्त हो जाती है। तो फैंस आपको इस फिल्म में ये कहानी देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप लोग हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। फैंस ये फिल्म आपको अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। फैंस वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फैंस इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। तो फैंस ये फिल्म कौन सी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं। तो फैंस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब दोस्तों फिल्म के प्रचार के लिए कलाकारों के हस्तलेखन में लिखे गए डिजिटल रूप से यहीं पे व्यक्तिगत जो है पोस्टर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराए गए थे। अभिनेता शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, बोमन ईरानी, सोनू सूद और विवान शाह की टीम अपनी फिल्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध भारतीय टेलीविजन शो तारक मेहता उल्टा चश्मा पर गए थे। इसके बाद दोस्तों रैपर योयो हनी सिंह और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म के कलाकारों और क्रू ने इस लैम जो शीर्षक से एक प्रमोशनल टूर पाया था। यहां पे आपको बता दें ह्यूस्टन ने 19 सितंबर से शुरू होकर ये न्यू जर्सी जो है वॉशिंगटन, टोरंटो और शिकागो में इस फिल्म के लिए प्रचार किए गए थे। फाइनली दोस्तों 13 अक्टूबर 2014 को एंड्रॉयड और आईओएस के लिए हैप्पी न्यू ईयर द गेम नामक जो है फिल्म पर आधारित एक आधिकारिक जो है गेम जारी किया गया था। इसके बाद दोस्तों इसे प्रोडक्शन कंपनी और गेम शस्त्र इंडिया एक भारतीय खेल कला और इसके अलावा आउट सोर्सिंग स्टूडियो के सहयोग से बनाया था। यशराज फिल्म को दुनिया भर में वितरण अधिकार 1.25 बिलियन यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 20 मिलियन यूएसए डॉलर में इसको बेचे गए थे। अधिकार सेटेलाइट अधिकार के बारे में हम बात करें तो जी नेटवर्क को बेचा गया था 650 मिलियन में। जी हाँ फैंस से। और दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये बॉलीवुड की फिल्म थी। 2014 में दुनिया भर में 394 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था इस फिल्म ने। और दोस्तों इन पैसों को अगर हम यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 64 मिलियन से अधिक ही कमाई किया था डॉलर में, जो इसे अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनाती है। साथ दोस्तों फिल्म के बारे में रिपोर्ट किया गया है, हैप्पी न्यू ईयर ने 44.97 करोड़ का संग्रह करके एक रिकॉर्ड बनाया था और ये एक ही दिन में आखिर तक इतना पहुंच गया था। जो ये फिल्म पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई जहां पे आमिर खान, अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ और फातिमा सनत से अभिनीत की गई 2018 की दिवाली रिलीज जो है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान धारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था इस फिल्म ने, जिसने पहले दिन जो है 52 करोड़ का संग्रह किया था।
जो वर्तमान में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए दूसरा सबसे बड़ा कमाई करने वाला फिल्म है और ये रिकॉर्ड युद्ध धारा तोड़ दिया गया। इसने जो है संग्रह किया था 53 करोड़ से अधिक। फिल्म ने शनिवार को 285 मिलियन नेट कमाई किया था, जिसकी वजह से फिल्म में थोड़ा सा गिरावट देखा गया था रविवार को। कुल मिलाकर दोस्तों फिल्म ने 394 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर लिया था 2014 में और ये कमाई बहुत ज्यादा होता है किसी हिंदी फिल्म के लिए। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की ओवरसीज कलेक्शन के बारे में। दोस्तों फिल्म ने विदेशों में अपने थिएटर रन के अंत में फिल्म ने विदेशी बाजार में 16 करोड़ रुपए से 16 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई किया था, जो हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 102 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था इसने ओवरसीज में। दोस्तों फिल्म 12 फरवरी 2015 को चीन में रिलीज हुई थी और चीन में 3 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था और दोस्तों फिल्म को भारत और विदेशों में समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं देखने को मिली। इसकी वजह से फॉरेन समीक्षकों के आधार पर रोटन टमाटोज पर इसकी 57 रेटिंग देखा गया है, जबकि मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन और हास्य सामग्री को प्रशंसा मिली थी। चरित्र विकास की कमी हुई थी यह भी बताया गया था और अनौपचारिक जो है कथानक को आलोचना भी मिला था। CNN IBN के राजीव मंसद ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा है कि टिप्पणी की हैप्पी वर देखते समय आप बारी बारी से खुद को जो है हंसते और रोते हुए पाएंगे। इसमें निर्देशक जो है फराह खान कुशलता से एक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता परिदृश्य के खिलाफ एक चोरी की साजिश रचती है और ये एक है जहाँ पे जिज्ञासु आधार और फराह जो है कई सम्मान के साथ तत्वों को लाती है फिल्म में, जो उसने मैं हूं ना फिल्म और ओम शांति ओम में अच्छे उपयोग के लिए लागू किया था, जहाँ पे 70 के दशक के लिए बहुत सारे आत्मा संदर्भित किए गए थे फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म को रिव्यू करते हुए बॉलीवुड और कभी जो है कभार खुद पर हंसने की क्षमता भी बताया गया। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा यह फिल्म उन्मत्त जो है शोरगुल के साथ भड़कीला और मोटे तौर पर जो आनंदहीन है। फरहा चोरी की पारंपरिक जो है फिल्म का ढांचा तो लेती है और प्रतिशोध जो है मेलोड्रामा कॉमेडी और रोमांस जो है अनगिनत इसमें देखने को मिलते हैं। फिल्म में नृत्य काफ़ी अच्छे हैं और चरमोत्कर्ष के रूप में देशभक्ति की खुराक इसमें रखा गया है। इंडियन एक्सप्रेस के सौरभ गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और इसे मेरा भारत महान भावनाओं वाली फिल्म बताया और एक महासागर के वजह से 11 से लेकर 12 और फ्लैश इसके अलावा जो फ्लैश डॉन्स के बीच एक क्रॉस बताया गया था। जो रेडिफ ने फिल्म को रिव्यू किया और इन्होंने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा यह फिल्म शुरू से ही नकल की तरह चलती है, जहां एक विशाल जो है लड़क जहां कुछ भी गंभीरता से नहीं लिया जाता है फिल्म में। इसके बाद दोस्तों फिल्म को NDTV ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा कि उन्होंने 2 स्टार रेटिंग दिया और कहा बॉक्स ऑफिस पे कमाई के बावजूद इस फिल्म में पेश करने के लिए कुछ भी नया नहीं है। फर्स्ट पोस्ट के मिहिर कडन विशन ने कहा फिल्म एक मोह वीडियो प्रोजेक्ट की तरह दिखता है जो यहाँ पे महसूस होती है, जो पूरे ब्रह्मांड में 2 लोग पर फराह और शाहरुख खान द्वारा प्रशंसा के लिए बनाई गई थी। यहाँ पे बता दे ओशंस 11 और यहाँ पे बबून धारा फिर से लिखी गई थी। यहाँ पे दोस्तों प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वर्ष ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिया, जहाँ पे मौलिकता पर लेते हुए कहा था कि मौलिकता क्या है, हैप्पी न्यू ईयर, ये हैप्पी न्यू ईयर फिल्म जो है फराह खान की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक मूवी है, 2014 में रिलीज हुई। इसके बाद दोस्तों रॉयटर्स की शिल्पा जामखंडीकरन ने कहा था फिल्म ने उदारता पूर्वक जो है हॉलीवुड की हिस्ट जो है फिल्मों से उधार लिया है, जो विशेष रूप से S1 इसके अलावा शोर्ड वर्ग की ओशन के साथ 11 से पहले छमाई हल्की और कई बार जो है वास्तव में मजाकिया है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे दूसरी छमाई बढ़ती जाती है कार्यवाही निरस हो जाती है इस फिल्म की। इसके बाद दोस्तों हॉलीवुड रिपोर्टर्स की लिसा तसेरिंग ने फिल्म को रिव्यू करते हुए समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि ये फिल्म एक महत्वाकांक्षी संगीतमय और एक प्रेम कहानी और एक महासागर की फिल्म है जो 11 शैली की अपराध शरारत के रूप में है। डॉन ने यहाँ पे कहा था कि सामी जो है कहर ने फिल्म को 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार दिया और कहा फिल्म ओशंस यानी कि 11 प्लस जो है इटालियन के साथ जॉब प्लस स्टेप अप के ऑल इन वन सस्ते जो है आकार बिगड़ते एक्सटीरियर दिखाए गए हैं फिल्म के अंदर। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फिल्म की हिस्टोरी के बारे में। दोस्तों फिल्म में सबसे पहले देखने को मिलता है चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है और दोस्तों दिखाया गया है जो 8 साल से पर्से सुरक्षा आपूर्ति करता और साली मार्जुए सिक्योरिटीज के मालिक चरण ग्रोवर से बदला लेने के लिए तड़प रहे हैं।
गुरुवार ने चार्ली के पिता मनोहर शर्मा को गलत तरीके से एक चोर के रूप में गिरफ्तार किया था, क्योंकि गुरुवार ने मनोहर को $15 मिलियन के अपने हीरो को चुराने के लिए उकसाया था। यहाँ पे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 300 करोड़ रुपए यानी कि $39.48 मिलियन के हीरे यानी कि अटल लोटस होटल दुबई पहुँचेंगे, ये खबर मिली। चार्ली जो है हीरे चुराना और गुरुवार को फ्रेम करना चाहता है, इसे पूरा करने के लिए वह एक टीम बनाता है। पूर्व कप्तान जो है जगमोहन जगप्रकाश सुनने में कठोर व्यक्तित्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तेहमत यानी कि टेमिलो और टेमी ईरानी एक बूढ़ा और जब्ती जो है परवाना सुरक्षा कर्मी मोहन का सबसे अच्छा दोस्त था। रोहन सिंह एक युवा बुद्धिमान हैकर है जो कि जग का भतीजा है, और यहाँ पे चरण के बेटे विक्की गुरुवार के हम शकल नंदू भी इसमें शामिल है। अब दोस्तों चार्ली ने टीम को समझाया कि होटल में कमरा 9C जो है तिजोरी से जुड़ा है, जो एक डॉक्ट सिस्टम के माध्यम से हीरे रखा गया है। हालांकि कमरा 9C वर्ल्ड डांसवे चैंपियनशिप जिसकी वजह से WDC में भाग लेने वाली टीमों के लिए जो है यहाँ पे आरक्षित है। समूह ने तुरंत जो है WDC में शामिल होने से इनकार कर दिया, और ये जो है इंगित करते हुए कि उनमें से कोई भी जो है नर्तक नहीं था। लेकिन चार्ली ने समूह को फिर से प्रेरित किया और उन्हें एक नृत्य टीम बनाने के लिए फिर से जो है बात किया। इसके बाद दोस्तों देखने को मिलता है कि एक फ्लैशबैक से ये पता चलता है कि चरण गुरुवार ने मनोहर से मुलाकात की और उन्हें एक अभेक तिजोरी शामिल करने के लिए और बनाने का ठेका दिया। तिजोरी पूरी होने के बाद चरण ने मनोहर को यहाँ पे नशीला पदार्थ पिलाया और अपनी जो उंगलियों के निशान का इस्तेमाल करके हीरे चुराने के लिए राजी कर लिया। यहाँ पे दोस्तों समूह बिना किसी लाभ के नृत्य प्रशिक्षक को यहाँ पे नियुक्त करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हताशा में नंदू चार्ली को एक मराठी बार जो है डांसर मोहिनी से मिलवाया जाता है, जो चार्ली के अंग्रेजी उच्चारण से प्रभावित होती है और वह अंत तक उनके इरादों से अनजान है, क्योंकि उन्हें नृत्य सीखने में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। चार्ली और मोहिनी बहुत करीब आ जाते हैं इस बीच। अब दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है कि वह पहले के दौर में यानी कि आहारता प्राप्त करने का प्रबंध करते हैं और अंत तक हैकिंग के माध्यम से वोट प्राप्त करके WDC में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने की प्रतियोगिता जीतते हैं। इसके बाद दोस्तों कई दर्शक जो है उनके कौशल की कमी के लिए उनका जो है तिरस्कार करते हैं, लेकिन चार्ली और उनकी टीम मोहिनी के बिना सभी जो है केवल यानी कि डकैती से चिंतित है। दुबई में टीम जो है कोरिया विशेष रूप से टीम इंडिया के प्रति शत्रुतापूर्ण है, जिसमें उनके परियोजक जो है गुरुवा भी शामिल है। इसकी वजह से सेमीफाइनल में चार्ली एक कोरियाई टीम के सदस्य को एक डांस स्टंट के दौरान गंभीर चोट से बचाता है, दर्शकों से तुरंत जो है सम्मान प्राप्त करता है और प्रशंसा प्राप्त करता है। योजना पर जाने के बाद सब कुछ जो है तैयार है। यहाँ पे दुर्भाग्य से टीम को पता चलता है कि हीरे जो है क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या पर पहुंचेंगे, जो डकैती को रोका जाता है, जिसकी वजह से सौभाग्य से चार्ली की कार्रवाई से न्यायाधीश के प्रभावित होने के बाद जो है भारत फाइनल में पहुंच गया। एक दिन डकैती के बारे में सुनकर मोहिनी खत्म हो जाती है और जाने के लिए मुड़ जाती है। चार्ली उसे सब कुछ बताता है और बताता है कि मनोहर वास्तव में मर चुका है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मुकदमे की अपील की, लेकिन दोस्तों गुरुवार ने मनोहर के वकीलों को रिश्वत दी और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। मनोहर ने पूरी उम्मीद खोते हुए अपनी कलाई काट ली थी, इसकी वजह से हालांकि इससे मनोहर का बदला लेने के लिए टीम का दृढ़ संकल्प बढ़ जाता है और वह एक खास पल साझा करते हैं और जहां पे मोहिनी उनकी मदद करने के लिए फिर तैयार हो जाती है। अंतिम दौर के रात दोस्तों यहां पे डकैती शुरू होती है, लेकिन मोहिनी विक्की को लिफ्ट में यहां पे फुसलाती है। फुसलाने के बाद वहां पे उसे जो है खटखटाया जाता है और उसका अंगूठा जंग धारा लिया गया है और यहां पे नंदू धारा उपयोग किया जाता है अंगूठा को, जो कक्ष जो है यानी कि खोलता है और यहीं पे टेमी जो है सफलतापूर्वक तिजोरी खोल लेता है। हालांकि दोस्तों चार्ली और यहीं पे टेमी को एक और जो है ग्लास तिजोरी मिलती है, जिसमें जो है हीरे रखे गए हैं। इसे मनोहर ने बनाया था और इसमें जो है 7 अक्षर का पासवर्ड था। चार्ली ने तिजोरी खोली और ये महसूस करते हुए कि तिजोरी खोलने का पासवर्ड उसका अपना नाम था। हीरे चुराने के बाद टीम नाव पर चढ़ जाता है, लेकिन मोहिनी आने से मना कर देती है और वह बताती है कि जीवन में सबसे जरूरी चीज़ है सम्मान। पूरा भारत उनका समर्थन कर रहा था और वह भारत का सम्मान खोने नहीं दे रही थी। रोहन भी उसका साथ देता है, जिससे बाकी सदस्यों के बीच जो है लड़ाई हो जाती है।
इसके बाद दोस्तों जब टीम इंडिया जो है गायब पाई जाती है तो गुरुवार का दावा है कि चोर वही है। मोहिनी मंच पर आती है इस बीच और कुछ जो है मिनटों के लिए अकेले ही परफॉर्म करती है। इसके तुरंत बाद टीम के अन्य सदस्य चौंकाने वाले गुरुवार दिखाई देते हैं। चार्ली अंत में प्रकट होता है और टीम जो है प्रतियोगिता जीत जाती है। चरण और यहीं पे विक्की जो है गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। चार्ली ने खुद को चरण के सामने प्रकट किया और उसकी जो है जेब में रख दिया था हीरा। उसी रेजर के साथ जो है ब्लेड से मनोहर ने उसकी कलाई काट दी थी और वह यहाँ पे देखता है कि पुलिस उसे ले जाती है। इसके बाद दोस्तों उसका बदला पूरा हो गया और टीम इंडिया जो है एयरपोर्ट पहुंच गई है। चार्ली अपने शीतल जो है पे में हीरो को छलनी कर लेती है लेकिन सुरक्षा गार्ड इसे नष्ट कर देते हैं जिससे जो है टीम तबाह हो जाती है। हालांकि बाद में उड़ान के दौरान चार्ली ने खुलासा किया था कि उसने जो है नकली हीरो को असली के साथ ट्रॉफी पर बदल दिया था और टीम जो है भारत पहुँच जाती है। क्रेडिट के बाद के दृश्यों में नंदू को विजेताओं का चेक दिखाने के लिए बैंक से बाहर निकाल दिया जाता है। रोहन अंत में लड़कियों के बीच अपार के साथ जो लोकप्रियता हासिल करता है जबकि दोस्तों यहां पे जग पहले बनाई जाती है। फिल्म का निर्देशक जो है करते हैं जिसमें मूल निर्देशक बम नियंत्रक जो है होता है जो जग ने पहले किया था। टैमी के पास अब कई जो है बुजुर्ग महिलाएं अपने नायक के रूप में उसका पीछा कर रही है। लंबी साजा पाने के बाद चरण और विक्की गुरुवार अब दुबई शहर की जेल में अपनी बेगुनाही की गुहार लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन मोहिनी अपना खुद का जो है डांस स्कूल खोल लेती है उन पैसों से और चार्ली एक हीरे से बने अंगूठी के साथ उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। फिल्म इसी के साथ समाप्त हो जाती है। तो फैंस आपको इस फिल्म में ये कहानी देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप लोग हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। फैंस ये फिल्म आपको अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। फैंस वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फैंस इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। तो फैंस ये फिल्म कौन से आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं। तो फैंस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों फिल्म के प्रचार के लिए कलाकारों के हस्तलेखन में लिखे गए डिजिटल रूप से यहीं पे व्यक्तिगत जो है पोस्टर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराए गए थे। अभिनेता शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, बोमन ईरानी, सोनू सूद और विवान शाह की टीम अपनी फिल्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध भारतीय टेलीविजन शो तारक मेहता उल्टा चश्मा पर गए थे। इसके बाद दोस्तों रैपर यो हनी सिंह और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म के कलाकारों और क्रू ने इस लैम जो शीर्षक से एक प्रमोशनल टूर पाया था। यहां पे आपको बता दें ह्यूस्टन ने 19 सितंबर से शुरू होकर ये न्यू जर्सी जो है वाशिंगटन, टोरंटो और शिकागो में इस फिल्म के लिए प्रचार किए गए थे। फाइनली दोस्तों 13 अक्टूबर 2014 को एंड्रॉयड और iOS के लिए हैप्पी न्यू ईयर द गेम नामक जो है फिल्म पर आधारित एक आधिकारिक जो है गेम जारी किया गया था। इसके बाद दोस्तों इसे प्रोडक्शन कंपनी और गेम शस्त्र इंडिया एक भारतीय खेल कला और इसके अलावा आउटसोर्सिंग स्टूडियो के सहयोग से बनाया था। यशराज फिल्म को दुनिया भर में वितरण अधिकार 1.25 बिलियन यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 20 मिलियन यूएसए डॉलर में इसको बेचे गए थे। अधिकार सेटेलाइट अधिकार के बारे में हम बात करें तो जी नेटवर्क को बेचा गया था 650 मिलियन में। यहाँ फैन से और दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये बॉलीवुड की फिल्म थी। 2014 में दुनिया भर में 394 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था इस फिल्म ने। और दोस्तों इन पैसों को अगर हम यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 64 मिलियन से अधिक की कमाई किया था डॉलर में, जो इसे अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनाती है। दोस्तों फिल्म के बारे में रिपोर्ट किया गया है, हैप्पी न्यू ईयर ने 44.97 करोड़ का संग्रह करके एक रिकॉर्ड बनाया था और ये एक ही दिन में आखिर तक इतना पहुंच गया था। जो ये फिल्म पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई जहां पे आमिर खान, अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ और फातिमा सनत से अभिनीत की गई 2018 की दिवाली रिलीज जो है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान धारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था इस फिल्म ने, जिसने पहले दिन जो है 52 करोड़ का संग्रह किया था, जो वर्तमान में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए दूसरा सबसे बड़ा कमाई करने वाला फिल्म है। और ये रिकॉर्ड युद्ध धारा तोड़ दिया गया जिसने जो है संग्रह किया था 53 करोड़ से अधिक। फिल्म ने शनिवार को 285 मिलियन नेट कमाई किया था, जिसकी वजह से फिल्म में थोड़ा सा गिरावट देखा गया था रविवार को। कुल मिला के दोस्तों फिल्म ने 394 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर लिया था 2014 में और ये कमाई बहुत ज्यादा होता है किसी हिंदी फिल्म के लिए। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की ओवरसीज कलेक्शन के बारे में। दोस्तों फिल्म ने विदेशों में अपने थिएटर रन के अंत में फिल्म ने विदेशी बाजार में 16 करोड़ रुपए
से 16 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई किया था। जो हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 102 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था इसने ओवरसीज में। दोस्तों फिल्म 12 फरवरी 2015 को चीन में रिलीज हुई थी और चीन में 3 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। और दोस्तों फिल्म को भारत और विदेशों में समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं देखने को मिली। इसकी वजह से फॉरेन समीक्षकों के आधार पर रोटेन टोमेटोज पर इसकी 57 रेटिंग देखा गया है, जबकि मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन और हास्य सामग्री को प्रशंसा मिली थी। चरित्र विकास की कमी हुई थी यह भी बताया गया था और अनौपचारिक जो है कथानक को आलोचना भी मिला था। CNN IBN के राजीव मंसद ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा है कि टिप्पणी की हैप्पी न्यू ईयर देखते समय आप बारी बारी से खुद को जो है हंसते और रोते हुए पाएंगे। इसमें निर्देशक जो है फराह खान कुशलता से एक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता परिदृश्य के खिलाफ एक चोरी की साजिश रचती है और ये एक है जहाँ पे जिज्ञासु आधार और फराह जो है कई सम्मान के साथ तत्वों को लाती है फिल्म में, जो उसने मैं हूं ना फिल्म और ओम शांति ओम में अच्छे उपयोग के लिए लागू किया था, जहाँ पे 1870 के दशक के लिए बहुत सारे आत्मा संदर्भित किए गए थे फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म को रिव्यू करते हुए बॉलीवुड और कभी जो है कभार खुद पर हंसने की क्षमता भी बताया गया। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा ये फिल्म उन्मत्त जो है शोरगुल के साथ भड़कीला और मोटे तौर पर जो आनंदहीन है। फरहा चोरी की पारंपरिक जो है फिल्म का ढांचा तो लेती है और प्रतिशोध जो है मेलोड्रामा कॉमेडी और रोमांस जो है अनगिनत इसमें देखने को मिलते हैं। फिल्म में नृत्य काफ़ी अच्छे हैं और चरमोत्कर्ष के रूप में देशभक्ति की खुराक इसमें रखा गया है। इंडियन एक्सप्रेस के सौरभ गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और इसे मेरा भारत महान भावनाओं वाली फिल्म बताया और एक महासागर के वजह से 11 से लेकर 12 और फ्लैश इसका जो फ्लैश डॉन्स के बीच एक क्रॉस बताया गया था। जो रेडिफ ने फिल्म को रिव्यू किया और इन्होंने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा ये फिल्म शुरू से ही नकल की तरह चलती है, जहां एक विशाल जो है लड़क जहां कुछ भी गंभीरता से नहीं लिया जाता है फिल्म में। इसके बाद दोस्तों फिल्म को NDTV ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा कि उन्होंने 2 स्टार रेटिंग दिया और कहा बॉक्स ऑफिस पे कमाई के बावजूद इस फिल्म में पेश करने के लिए कुछ भी नया नहीं है। फर्स्ट पोस्ट के मिहिर कडन विशन ने कहा फिल्म एक मोह वीडियो प्रोजेक्ट की तरह दिखता है जो यहाँ पे महसूस होती है, जो पूरे ब्रह्मांड में दो लोग पर फराह और शाहरुख खान द्वारा प्रशंसा के लिए बनाई गई थी। यहाँ पे बता दे ओशंस 11 और यहाँ पे बबून धारा फिर से लिखी गई थी। यहाँ पे दोस्तों प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वर्ष ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिया, जहाँ पे मौलिकता पर लेते हुए कहा था कि मौलिकता क्या है, हैप्पी न्यू ईयर, ये हैप्पी न्यू ईयर फिल्म जो है फराह खान की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक मूवी है, 2014 में रिलीज हुई। इसके बाद दोस्तों रॉयटर्स की शिल्पा जामखंडीकरण ने कहा था फिल्म ने उदारता पूर्वक जो है हॉलीवुड की हिस्ट जो है फिल्मों से उधार लिया है, जो विशेष रूप से स्टीवन इसके अलावा सोडबर्ग की ओशन के साथ 11 से पहले छमाई हल्की और कई बार जो है वास्तव में मजा किया है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे दूसरी छमाई बढ़ती जाती है कार्यवाही निरस हो जाती है इस फिल्म की। इसके बाद दोस्तों हॉलीवुड रिपोर्टर्स की लिसा तसेरिंग ने फिल्म को रिव्यू करते हुए समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि ये फिल्म एक महत्वाकांक्षी संगीत में और एक प्रेम कहानी और एक महासागर की फिल्म है जो 11 शैली की अपराध शरारत के रूप में है। डॉन ने यहाँ पे कहा था कि सामी जो है कहर ने फिल्म को 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार दिया और कहा फिल्म ओशंस यानी कि 11 प्लस जो है इटालियन के साथ जॉब प्लस स्टेप अप के ऑल इन वन के लिए ऑल इन वन सस्ते जो है आकार बिगड़ते एक्सटीरियर दिखाए गए हैं फिल्म के अंदर। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फिल्म की हिस्टोरी के बारे में। दोस्तों फिल्म में सबसे पहले देखने को मिलता है चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है और दोस्तों दिखाया गया है जो 8 साल से पर्से सुरक्षा आपूर्ति करता और साली मार्डवे सिक्योरिटीज के मालिक चरण ग्रोवर से बदला लेने के लिए तड़प रहे हैं। गुरुवार ने चार्ली के पिता मनोहर शर्मा को गलत तरीके से एक चोर के रूप में गिरफ्तार किया था, क्योंकि गुरुवार ने मनोहर को 15 मिलियन डॉलर के अपने हीरो को चुराने के लिए उकसाया था। यहां पे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 300 करोड़ रुपए यानी कि 39.48 मिलियन डॉलर के हीरे यानी कि अटल लोटिस होटल दुबई पहुँचेंगे ये खबर मिली। चार्ली जो है हीरे चुराना और गुरुवार को फ्रेम करना चाहता है, इसे पूरा करने के लिए वह एक टीम बनाता है। पूर्व कप्तान जो है जगमोहन जग प्रकाश सुनने में कठोर व्यक्तित्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पे
टे मत यानी कि टेमिलो और टेमी ईरानी एक बूढ़ा और जब्ती जो है परवाना सुरक्षा कर्मी मोहन का सबसे अच्छा दोस्त था। रोहन सिंह एक युवा बुद्धिमान हैकर है जो कि जग का भतीजा है और यहाँ पे चरण के बेटे विक्की गुरुवार के हम जगल नंदू भी इसमें शामिल है। अब दोस्तों चार्ली ने टीम को समझाया कि होटल में कमरा 9C जो है तिजोरी से जुड़ा है जो एक डॉक्ट सिस्टम के माध्यम से हीरे रखा गया है। हालांकि कमरा 9C वर्ल्ड डांसवेज चैंपियनशिप जिसकी वजह से WDC में भाग लेने वाली टीमों के लिए जो है यहाँ पे आरक्षित है। समूह ने तुरंत जो है WDC में शामिल होने से इनकार कर दिया और ये जो है इंगित करते हुए कि उनमें से कोई भी जो है नर्तक नहीं था, लेकिन चार्ली ने समूह को फिर से प्रेरित किया और उन्हें एक नृत्य टीम बनाने के लिए फिर से जो है बात किया। इसके बाद दोस्तों देखने को मिलता है कि एक फ्लैशबैक से ये पता चलता है कि चरण गुरुवार ने मनोहर से मुलाकात की और उन्हें एक अभेक तिजोरी शामिल करने के लिए और बनाने का ठेका दिया। तिजोरी पूरी होने के बाद चरण ने मनोहर को यहाँ पे नशीला पदार्थ पिलाया और अपनी जो उंगलियों के निशान का इस्तेमाल करके हीरे चुराने के लिए राजी कर लिया। यहाँ पे दोस्तों समूह बिना किसी लाभ के नृत्य प्रशिक्षक को यहाँ पे नियुक्त करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हताशा में नंदू चार्ली को एक मराठी बार जो है डांसर मोहिनी से मिलवाया जाता है जो चार्ली के अंग्रेजी उच्चारण से प्रभावित होती है और वह अंत तक उनके इरादों से अनजान है क्योंकि उन्हें नृत्य सीखने में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। चार्ली और मोहिनी बहुत करीब आ जाते हैं इस बीच। अब दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है कि वह पहले के दौर में यानी कि आहारता प्राप्त करने का प्रबंध करते हैं और अंत तक हैकिंग के माध्यम से वोट प्राप्त करके WDC में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने की प्रतियोगिता जीतते हैं। इसके बाद दोस्तों कई दर्शक जो है उनके कौशल की कमी के लिए उनका जो है तिरस्कार करते हैं, लेकिन चार्ली और उनकी टीम मोहिनी के बिना सभी जो है केवल यानी कि डकैती से चिंतित है। दुबई में टीम जो है कोरिया विशेष रूप से टीम इंडिया के प्रति शत्रुतापूर्ण है जिसमें उनके उनमें प्रयोजक जो है गुरुवा भी शामिल है। इसकी वजह से सेमीफाइनल में चार्ली एक कोरियाई टीम के सदस्य को एक डांस स्टंट के दौरान गंभीर चोट से बचाता है। दर्शकों से तुरंत जो है सम्मान प्राप्त करता है और प्रशंसा प्राप्त करता है। योजना पर जाने के बाद सब कुछ जो है तैयार है। यहाँ पे दुर्भाग्य से टीम को पता चलता है कि हीरे जो है क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या पर पहुंचेंगे जो डकैती को रोका जाता है, जिसकी वजह से सौभाग्य से चार्ली की कार्रवाई से न्यायाधीश के प्रभावित होने के बाद जो है भारत फाइनल में पहुंच गया। एक दिन डकैती के बारे में सुनकर मोहिनी खत्म हो जाती है और जाने के लिए मुड़ जाती है। चार्ली उसे सब कुछ बताता है और बताता है कि मनोहर वास्तव में मर चुका है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मुकदमे की अपील की, लेकिन दोस्तों गुरुवार ने मनोहर के वकीलों को रिश्वत दी और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। मनोहर ने पूरी उम्मीद खोते हुए अपनी कलाई काट ली थी। इसकी वजह से हालांकि इससे मनोहर का बदला लेने के लिए टीम का दृढ़ संकल्प बढ़ जाता है और वह एक खास से पल साझा करते हैं और जहां पे मोहिनी उनकी मदद करने के लिए फिर तैयार हो जाती है। अंतिम दौर के रात दोस्तों यहां पे डकैती शुरू होती है, लेकिन मोहिनी विक्की को लिफ्ट में यहां पे फुसलाती है। फुसलाने के बाद वहां पे उसे जो है खटखटाया जाता है और उसका अंगूठा जग धारा लिया गया है और यहाँ पे नंदू द्वारा उपयोग किया जाता है अंगूठा को जो कक्ष जो है यानी कि खोलता है और यहीं पे टेमी जो है सफलतापूर्वक तिजोरी खोल लेता है। हालांकि दोस्तों चार्ली और यहीं पे टेमी को एक और जो है ग्लास से तिजोरी मिलती है जिसमें जो है हीरे रखे गए हैं। इसे मनोहर ने बनाया था और इसमें जो है 7 अक्षर का पासवर्ड था। चार्ली ने तिजोरी खोली और ये महसूस करते हुए कि तिजोरी खोलने का पासवर्ड उसका अपना नाम था। हीरे चुराने के बाद टीम नाव पर चढ़ जाता है, लेकिन मोहिनी आने से मना कर देती है और वह बताती है कि जीवन में सबसे जरूरी चीज़ है सम्मान। पूरा भारत उनका समर्थन कर रहा था और वह भारत का सम्मान खोने नहीं दे रही थी। रोहन भी उसका साथ देता है जिससे बाकी सदस्यों के बीच जो है लड़ाई हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जब टीम इंडिया जो है गायब पाई जाती है तो गुरुवार का दावा है कि चोर वही है। मोहिनी मंच पर आती है इस बीच और कुछ जो है मिनटों के लिए अकेले ही परफॉर्म करती है। इसके तुरंत बाद टीम के अन्य सदस्य चौंकाने वाले गुरुवार दिखाई देते हैं। चार्ली अंत में प्रकट होता है और टीम जो है प्रतियोगिता जीत जाती है। चरण और यहीं पे विक्की जो है गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है।
चार्ली ने खुद को चरण के सामने प्रकट किया और उसकी जो है जेब में रख दिया था हीरा। उसी रेजर के साथ जो है ब्लेड से मनोहर ने उसकी कलाई काट दी थी और वह यहाँ पे देखता है कि पुलिस उसे ले जाती है। इसके बाद दोस्तों उसका बदला पूरा हो गया और टीम इंडिया जो है एयरपोर्ट पहुंच गई है। चार्ली अपने शीतल जो है पे में हीरो को छलनी कर लेती है, लेकिन सुरक्षा गार्ड इसे नष्ट कर देते हैं जिससे जो है टीम तबाह हो जाती है। हालांकि बाद में उड़ान के दौरान चार्ली ने खुलासा किया था कि उसने जो है नकली हीरो को असली के साथ ट्रॉफी पर बदल दिया था और टीम जो है भारत पहुँच जाती है। क्रेडिट के बाद के दृश्यों में नंदू को विजेताओं का चेक दिखाने के लिए बैंक से बाहर निकाल दिया जाता है। रोहन अंत में लड़कियों के बीच अबार के साथ जो लोकप्रियता हासिल करता है, जबकि दोस्तों यहाँ पे जग पहले बनाई जाती है। फिल्म का निर्देशक जो है करते हैं, जिसमें मूल निर्देशक बम नियंत्रक जो है होता है, जो जग ने पहले किया था। टैमी के पास अब कई जो है बुजुर्ग महिलाएं अपने नायक के रूप में उसका पीछा कर रही है। लंबी साजा पाने के बाद चरण और विक्की ग्रोवर अब दुबई शहर की जेल में अपनी बेगुनाही की गुहार लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन मोहिनी अपना खुद का जो है डांस स्कूल खोल लेती है उन पैसों से, और चार्ली एक हीरे से बने अंगूठी के साथ उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। फिल्म इसी के साथ समाप्त हो जाती है। तो फैंस, आपको इस फिल्म में ये कहानी देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप लोग हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को यूरोप पर देखना चाहते हो तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। फैंस, ये फिल्म आपको अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। फैंस, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फैंस, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को, जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। तो फैंस, ये फिल्म कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं। तो फैंस, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब दोस्तों फिल्म के प्रचार के लिए कलाकारों के हस्तलेखन में लिखे गए डिजिटल रूप से यहीं पे व्यक्तिगत जो है पोस्टर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराए गए थे। अभिनेता शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, बोमन ईरानी, सोनू सूद और विवान शाह की टीम अपनी फिल्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध भारतीय टेलीविजन शो तारक मेहता उल्टा चश्मा पर गए थे। इसके बाद दोस्तों रैपर योयो हनी सिंह और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म के कलाकारों और क्रू ने इस लैम जो है शीर्षक से एक प्रमोशनल टूर पाया था। यहां पे आपको बता दें, ह्यूस्टन ने 19 सितंबर से शुरू होकर ये न्यू जर्सी जो है वॉशिंगटन, टोरंटो और शिकागो में इस फिल्म के लिए प्रचार किए गए थे। फाइनली दोस्तों 13 अक्टूबर 2014 को एंड्रॉयड और आईओएस के लिए हैप्पी न्यू ईयर द गेम नामक जो है फिल्म पर आधारित एक आधिकारिक जो है गेम जारी किया गया था। इसके बाद दोस्तों इसे प्रोडक्शन कंपनी और गेम शस्त्र इंडिया, एक भारतीय खेल कला और इसके अलावा आउट सोर्सिंग स्टूडियो के सहयोग से बनाया था। यशराज फिल्म को दुनिया भर में वितरण अधिकार 1.25 बिलियन यूएसए में कन्वर्ट करे तो 20 मिलियन यूएसए डॉलर में इसको बेचे गए थे। अधिकार सेटेलाइट अधिकार के बारे में हम बात करें तो जी नेटवर्क को बेचा गया था 650 मिलियन में। यहाँ फैन से, और दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये बॉलीवुड की फिल्म थी। 2014 में दुनिया भर में 394 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था इस फिल्म ने। और दोस्तों इन पैसों को अगर हम यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 64 मिलियन से अधिक की कमाई किया था डॉलर में, जो इसे अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनाती है। इसमें दोस्तों फिल्म के बारे में रिपोर्ट किया गया है, हैप्पी न्यू ईयर ने 44.97 करोड़ का संग्रह करके एक रिकॉर्ड बनाया था और ये एक ही दिन में आखिरी तक इतना पहुंच गया था, जो ये फिल्म पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई जहां पे आमिर खान, अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख अभिनीत की गई 2018 की दिवाली रिलीज जो है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान धारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था इस फिल्म ने, जिसने पहले दिन जो है 52 करोड़ का संग्रह किया था, जो वर्तमान में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए दूसरा सबसे बड़ा कमाई करने वाला फिल्म है। और ये रिकॉर्ड युद्ध धारा तोड़ दिया गया, जिसने जो है संग्रह किया था 53 करोड़ से अधिक। फिल्म ने शनिवार को 285 मिलियन नेट कमाई किया था, जिसकी वजह से फिल्म में थोड़ा सा गिरावट देखा गया था रविवार को। कुल मिला के दोस्तों फिल्म ने 394 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर लिया था 2014 में, और ये कमाई बहुत ज्यादा होता है किसी हिंदी फिल्म के लिए। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की ओवरसीज कलेक्शन के बारे में। दोस्तों फिल्म ने विदेशों में अपने थिएटर रन के अंत में फिल्म ने विदेशी बाजार में 16 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई किया था, जो हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 102 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था इसने ओवरसीज में। दोस्तों फिल्म 12 फरवरी 2015 को चीन में रिलीज हुई थी और चीन में 3 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। और दोस्तों फिल्म को भारत और विदेशों में समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं देखने को मिली। इसकी वजह से फॉरेन समीक्षकों के आधार पर रोटन टमाटोज पर इसकी 57 रेटिंग देखा गया है,
जबकि मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन और हास्य सामग्री को प्रशंसा मिली थी। चरित्र विकास की कमी हुई थी यह भी बताया गया था और अनौपचारिक जो है कथानक को आलोचना भी मिला था। CNN IBN के राजीव मंसद ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा है कि टिप्पणी की हैप्पीनी वर देखते समय आप बारी बारी से खुद को जो है हंसते और रोते हुए पाएंगे। इसमें निर्देशक जो है फराह खान कुशलता से एक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता परिदृश्य के खिलाफ एक चोरी की साजिश रचती है और ये एक है जहाँ पे जिज्ञासु आधार और फरहा जो है कई सम्मान के साथ तत्वों को लाती है फिल्म में, जो उसने मैं हूं ना फिल्म और ओम शांति ओम में अच्छे उपयोग के लिए लागू किया था, जहाँ पे 70 के दशक के लिए बहुत सारे आत्मा संदर्भित किए गए थे फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म को रिव्यू करते हुए बॉलीवुड और कभी जो है कभार खुद पर हंसने की क्षमता भी बताया गया। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा ये फिल्म उन्मत्त जो है शोरगुल के साथ भड़कीला और मोटे तौर पर जो आनंदहीन है। फरहा चोरी की पारंपरिक जो है फिल्म का ढांचा तो लेती है और प्रतिशोध जो है मेलोड्रामा कॉमेडी और रोमांस जो है अनगिनत इसमें देखने को मिलते हैं। फिल्म में नृत्य काफ़ी अच्छे हैं और चरमोत्कर्ष के रूप में देशभक्ति की खुराक इसमें रखा गया है। इंडियन एक्सप्रेस के सौरभ गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और इसे मेरा भारत महान भावनाओं वाली फिल्म बताया और एक महासागर के वजह से 11 से लेकर 12 और फ्लैश इसका जो फ्लैश डॉन्स के बीच एक क्रॉस बताया गया था। जो रेडिफ ने फिल्म को रिव्यू किया और इन्होंने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा ये फिल्म शुरू से ही नकल की तरह चलती है, जहां एक विशाल जो है लर्क जहां कुछ भी गंभीरता से नहीं लिया जाता है फिल्म में। इसके बाद दोस्तों फिल्म को NDTV ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा कि उन्होंने 2 स्टार रेटिंग दिया और कहा बॉक्स ऑफिस पे कमाई के बावजूद इस फिल्म में पेश करने के लिए कुछ भी नया नहीं है। फास्ट फोर्स के मिहिर कडन विशन ने कहा फिल्म एक मोह वीडियो प्रोजेक्ट की तरह दिखता है जो यहां पे महसूस होती है, जो पूरे ब्रह्मांड में दो लोग पर फरहा और शाहरुख खान द्वारा प्रशंसा के लिए बनाई गई थी। यहां पे बता दें ओशंस 11 और यहां पे बबून थारा फिर से लिखी गई थी। यहां पे दोस्तों प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वर्ष ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिया, जहाँ पे मौलिकता पर लेते हुए कहा था कि मौलिकता क्या है, हैप्पी न्यू ईयर, ये हैप्पी न्यू ईयर फिल्म जो है फरहा खान की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक मूवी है, 2014 में रिलीज हुई। इसके बाद दोस्तों रॉयटर्स की शिल्पा जामखंडीकरण ने कहा था फिल्म ने उदारता पूर्वक जो है हॉलीवुड की हिस्ट जो है फिल्मों से उधार लिया है, जो विशेष रूप से स्टीवन इसके अलावा सोडबर्ग की ओशन के साथ 11 से पहले छम्माई हल्की और कई बार जो है वास्तव में मजाक किया है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे दूसरी छम्माई बढ़ती जाती है कार्यवाही निरस हो जाती है इस फिल्म की। इसके बाद दोस्तों हॉलीवुड रिपोर्टर्स की लिसा तसेरिंग ने फिल्म को रिव्यू करते हुए समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि ये फिल्म एक महत्वाकांक्षी संगीतमय और एक प्रेम कहानी और एक महासागर की फिल्म है जो 11 शैली की अपराध शरारत के रूप में है। डॉन ने यहाँ पे कहा था कि सामी जो है कहर ने फिल्म को 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार दिया और कहा फिल्म ओशंस यानी कि 11 प्लस जो है इटालियन के साथ जॉब प्लस स्टेप अप के ऑल इन वन के लिए ऑल इन वन सस्ते जो है आकार बिगड़ते एक्सटीरियर दिखाए गए हैं फिल्म के अंदर। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फिल्म की हिस्टोरी के बारे में। दोस्तों फिल्म में सबसे पहले देखने को मिलता है चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है और दोस्तों दिखाया गया है जो 8 साल से पर्से सुरक्षा आपूर्ति करता और साली मार्जुए सिक्योरिटीज के मालिक चरण ग्रोवर से बदला लेने के लिए तड़प रहे हैं। गुरुवार ने चार्ली के पिता मनोहर शर्मा को गलत तरीके से एक चोर के रूप में गिरफ्तार किया था, क्योंकि गुरुवार ने मनोहर को $15 मिलियन के अपने हीरो को चुराने के लिए उकसाया था। यहां पे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 300 करोड़ रुपए यानी कि $39.48 मिलियन के हीरे यानी कि अटल लोटस होटल दुबई पहुँचेंगे ये खबर मिली। चार्ली जो है हीरे चुराना और गुरुवार को फ्रेम करना चाहता है, इसे पूरा करने के लिए वह एक टीम बनाता है। पूर्व कप्तान जो है जगमोहन जग प्रकाश सुनने में कठोर व्यक्तित्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेहमत यानी कि टेमिलो और टेमी ईरानी एक बूढ़ा और जब्ती जो है परवाना सुरक्षा कर्मी मोहन का सबसे अच्छा दोस्त था। रोहन सिंह एक युवा बुद्धिमान हैकर है जो कि जग का भतीजा है और यहाँ पे चरण के बेटे विक्की गुरुवार के हमशक्ल नंदू भी इसमें शामिल है।
अब दोस्तों चार्ली ने टीम को समझाया कि होटल में कमरा 9C जो है तिजोरी से जुड़ा है, जो एक डॉक्ट सिस्टम के माध्यम से हीरे रखा गया है। हालांकि कमरा 9C वर्ल्ड डांसवे चैंपियनशिप जिसकी वजह से WDC में भाग लेने वाली टीमों के लिए जो है यहाँ पे आरक्षित है। समूह ने तुरंत जो है WDC में शामिल होने से इनकार कर दिया और ये जो है इंगित करते हुए कि उनमें से कोई भी जो है नर्तक नहीं था। लेकिन चार्ली ने समूह को फिर से प्रेरित किया और उन्हें एक नृत्य टीम बनाने के लिए फिर से जो है बात किया। इसके बाद दोस्तों देखने को मिलता है कि एक फ्लैशबैक से ये पता चलता है कि चरण गुरुवार ने मनोहर से मुलाकात की और उन्हें एक अभेक तिजोरी शामिल करने के लिए और बनाने का ठेका दिया। तिजोरी पूरी होने के बाद चरण ने मनोहर को यहाँ पे नशीला पदार्थ पिलाया और अपनी जो उंगलियों के निशान का इस्तेमाल करके हीरे चुराने के लिए राजी कर लिया। यहाँ पे दोस्तों समूह बिना किसी लाभ के नृत्य प्रशिक्षक को यहाँ पे नियुक्त करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हताशा में नंदू चार्ली को एक मराठी बार जो है डांसर मोहिनी से मिलवाया जाता है, जो चार्ली के अंग्रेजी उच्चारण से प्रभावित होती है और वह अंत तक उनके इरादों से अनजान है, क्योंकि उन्हें नृत्य सीखने में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। चार्ली और मोहिनी बहुत करीब आ जाते हैं। इस बीच अब दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है कि वह पहले के दौर में यानी कि अर्हता प्राप्त करने का प्रबंध करते हैं और अंत तक हैकिंग के माध्यम से वोट प्राप्त करके WDC में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने की प्रतियोगिता जीतते हैं। इसके बाद दोस्तों कई दर्शक जो है उनके कौशल की कमी के लिए उनका जो है तिरस्कार करते हैं, लेकिन चार्ली और उनकी टीम मोहिनी के बिना सभी जो है केवल यानी कि डकैती से चिंतित है। दुबई में टीम जो है कोरिया विशेष रूप से टीम इंडिया के प्रति शत्रुतापूर्ण है, जिसमें उनमें प्रयोजक जो है गुरुआ भी शामिल है। इसकी वजह से सेमीफाइनल में चार्ली एक कोरियाई टीम के सदस्य को एक डांस स्टंट के दौरान गंभीर चोट से बचाता है। दर्शकों से तुरंत जो है सम्मान प्राप्त करता है और प्रशंसा प्राप्त करता है। योजना पर जाने के बाद सब कुछ जो है तैयार है। यहाँ पे दुर्भाग्य से टीम को पता चलता है कि हीरे जो है क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या पर पहुंचेंगे, जो डकैती को रोका जाता है, जिसकी वजह से सौभाग्य से चार्ली की कार्रवाई से न्यायाधीश के प्रभावित होने के बाद जो है भारत फाइनल में पहुंच गया। एक दिन डकैती के बारे में सुनकर मोहिनी खत्म हो जाती है और जाने के लिए मुड़ जाती है। चार्ली उसे सब कुछ बताता है और बताता है कि मनोहर वास्तव में मर चुका है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मुकदमे की अपील की, लेकिन दोस्तों गुरुवार ने मनोहर के वकीलों को रिश्वत दी और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। मनोहर ने पूरी उम्मीद खोते हुए अपनी कलाई काट ली थी। इसकी वजह से हालांकि इससे मनोहर का बदला लेने के लिए टीम का दृढ़ जो संकल्प बढ़ जाता है और वह एक खास से पल साझा करते हैं और जहां पे मोहिनी उनकी मदद करने के लिए फिर तैयार हो जाती है। अंतिम दौर के रात दोस्तों यहां पे डकैती शुरू होती है, लेकिन मोहिनी बिकी को लिफ्ट में यहां पे फुसलाती है। फुसलाने के बाद वहां पे उसे जो है खटखटाया जाता है और उसका अंगूठा जग धारा लिया गया है और यहाँ पे नंदू द्वारा उपयोग किया जाता है अंगूठा को, जो कक्ष जो है यानी कि खोलता है और यहीं पे टैमी जो है सफलतापूर्वक तिजोरी खोल लेता है। हालांकि दोस्तों चार्ली और यहीं पे टैमी को एक और जो है ग्लास से तिजोरी मिलती है, जिसमें जो है हीरे रखे गए हैं। इसे मनोहर ने बनाया था और इसमें जो है 7 अक्षर का पासवर्ड था। चार्ली ने तिजोरी खोली और ये महसूस करते हुए कि तिजोरी खोलने का पासवर्ड उसका अपना नाम था। हीरे चुराने के बाद टीम नाव पर चढ़ जाता है, लेकिन मोहिनी आने से मना कर देती है और वह बताती है कि जीवन में सबसे जरूरी चीज है सम्मान। पूरा भारत उनका समर्थन कर रहा था और वह भारत का सम्मान खोने नहीं दे रही थी। रोहन भी उसका साथ देता है, जिससे बाकी सदस्यों के बीच जो है लड़ाई हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जब टीम इंडिया जो है गायब पाई जाती है, तो गुरुवार का दावा है कि चोर वही है। मोहिनी मंच पर आती है इस बीच और कुछ जो है मिनटों के लिए अकेले ही परफॉर्म करती है। इसके तुरंत बाद टीम के अन्य सदस्य चौंकाने वाले गुरुवार दिखाई देते हैं। चार्ली अंत में प्रकट होता है और टीम जो है प्रतियोगिता जीत जाती है। चरण और यहीं पे विक्की जो है गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। चार्ली ने खुद को चरण के सामने प्रकट किया और उसकी जो है जेब में रख दिया था हीरा। उसी रेजर के साथ जो है ब्लेड से मनोहर ने उसकी कलाई काट दी थी और वह यहाँ पे देखता है कि पुलिस उसे ले जाती है। इसके बाद दोस्तों उसका बदला पूरा हो गया और टीम इंडिया जो है एयरपोर्ट पहुंच गई है। चार्ली अपने शीतल जो है पे में हीरो को
छलनी कर लेती है, लेकिन सुरक्षा गार्ड इसे नष्ट कर देते हैं, जिससे जो है टीम तबाह हो जाती है। हालांकि बाद में उड़ान के दौरान चार्ली ने खुलासा किया था कि उसने जो है नकली हीरो को असली के साथ ट्रॉफी पर बदल दिया था और टीम जो है भारत पहुंच जाती है। क्रेडिट के बाद के दृश्यों में नंदू को विजेताओं का चेक दिखाने के लिए बैंक से बाहर निकाल दिया जाता है। रोहन अंत में लड़कियों के बीच अबार के साथ लोकप्रियता हासिल करता है, जबकि दोस्तों यहाँ पे जग पहले बनाई जाती है। फिल्म का निर्देशक जो है करते हैं, जिसमें मूल निर्देशक बम नियंत्रक जो है होता है, जो जग ने पहले किया था। टैमी के पास अब कई जो है बुजुर्ग महिलाएं अपने नायक के रूप में उसका पीछा कर रही है। लंबी साजा पाने के बाद चरण और विक्की ग्रोवर अब दुबई शहर की जेल में अपनी बेगुनाही की गुहार लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन मोहिनी अपना खुद का जो है डांस स्कूल खोल लेती है उन पैसों से, और चार्ली एक हीरे से बने अंगूठी के साथ उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। फिल्म इसी के साथ समाप्त हो जाती है। तो फैंस, आपको इस फिल्म में ये कहानी देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप लोग हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। फैंस, ये फिल्म आपको अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। फैंस, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फैंस, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को, जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। तो फैंस, ये फिल्म कौन से आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं। तो फैंस, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब दोस्तों, फिल्म के प्रचार के लिए कलाकारों के हस्तलेखन में लिखे गए डिजिटल रूप से यहीं पे व्यक्तिगत जो है पोस्टर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराए गए थे। अभिनेता शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, बोमन ईरानी, सोनू सूद और विवान शाह की टीम अपनी फिल्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध भारतीय टेलीविजन शो तारक मेहता उल्टा चश्मा पर गए थे। इसके बाद दोस्तों, रैपर योयो हनी सिंह और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म के कलाकारों और क्रू ने इस लैम जो है शीर्षक से एक प्रमोशनल टूर पाया था। यहाँ पे आपको बता दें, ह्यूस्टन ने 19 सितंबर से शुरू होकर ये न्यू जर्सी जो है वॉशिंगटन, टोरंटो और शिकागो में इस फिल्म के लिए प्रचार किए गए थे। फाइनली दोस्तों, 13 अक्टूबर 2014 को एंड्रॉयड और आईओएस के लिए हैप्पी न्यू ईयर द गेम नामक जो है फिल्म पर आधारित एक आधिकारिक जो है गेम जारी किया गया था। इसके बाद दोस्तों, इसे प्रोडक्शन कंपनी और गेम शस्त्र इंडिया, एक भारतीय खेल कला और इसके अलावा आउट सोर्सिंग स्टूडियो के सहयोग से बनाया था। यशराज फिल्म को दुनिया भर में वितरण अधिकार 1.25 बिलियन यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 20 मिलियन यूएस डॉलर में इसको बेचे गए थे। अधिकार, सेटेलाइट अधिकार के बारे में हम बात करें तो जी नेटवर्क को बेचा गया था 650 मिलियन में। जी हाँ फैन से। और दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये बॉलीवुड की फिल्म थी 2014 में। दुनिया भर में 394 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था इस फिल्म ने। और दोस्तों, इन पैसों को अगर हम यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 64 मिलियन से अधिक ही कमाई किया था डॉलर में, जो इसे अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनाती है। इस साथ दोस्तों, फिल्म के बारे में रिपोर्ट किया गया है, हैप्पी न्यू ईयर ने 44.97 करोड़ का संग्रह करके एक रिकॉर्ड बनाया था और ये एक ही दिन में आखिरी तक इतना पहुंच गया था, जो ये फिल्म पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई जहां पे आमिर खान, अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख अभिनीत की गई 2018 की दिवाली रिलीज जो है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान धारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था इस फिल्म ने, जिसने पहले दिन जो है 52 करोड़ का संग्रह किया था, जो वर्तमान में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए दूसरा सबसे बड़ा कमाई करने वाला फिल्म है। और ये रिकॉर्ड युद्ध धारा तोड़ दिया गया, इसने जो है संग्रह किया था 53 करोड़ से अधिक। फिल्म ने शनिवार को 285 मिलियन नेट कमाई किया था, जिसकी वजह से फिल्म में थोड़ा सा गिरावट देखा गया था रविवार को। कुल मिलाकर दोस्तों, फिल्म ने 394 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर लिया था 2014 में, और ये कमाई बहुत ज्यादा होता है किसी हिंदी फिल्म के लिए। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की ओवरसीज कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, फिल्म ने विदेशों में अपने थिएटर रन के अंत में फिल्म ने विदेशी बाजार में 16 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई किया था, जो हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 102 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था इसने ओवरसीज में। दोस्तों, फिल्म 12 फरवरी 2015 को चीन में रिलीज हुई थी और चीन में 3 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। और दोस्तों, फिल्म को भारत और विदेशों में समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं देखने को मिली। इसकी वजह से फॉरेन समीक्षकों के आधार पर रोटन टोमेटोज पर इसकी 57 रेटिंग देखा गया है, जबकि मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन और हास्य सामग्री को प्रशंसा मिली थी। चरित्र विकास की कमी हुई थी ये भी बताया गया था, और अनौपचारिक जो है कथानक को आलोचना भी मिला था।
CNN IBN के राजीव मंसद ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा है कि टिप्पणी की हैप्पी वर देखते समय आप बारी बारी से खुद को जो हंसते और रोते हुए पाएंगे। इसमें निर्देशक जो है फराह खान कुशलता से एक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता परिदृश्य के खिलाफ एक चोरी की साजिश रचती है और ये एक है जहाँ पे जिज्ञासु आधार और फरहा जो है कई सम्मान के साथ तत्वों को लाती है फिल्म में, जो उसने मैं हूं ना फिल्म और ओम शांति ओम में अच्छे उपयोग के लिए लागू किया था, जहाँ पे 1870 के दशक के लिए बहुत सारे आत्मा संदर्भित किए गए थे फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म को रिव्यू करते हुए बॉलीवुड और कभी जो है कभार खुद पर हंसने की क्षमता भी बताया गया। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, ये फिल्म उन्मत्त जो है शोरगुल के साथ भड़कीला और मोटे तौर पर जो आनंदहीन है। फरहा चोरी की पारंपरिक जो है फिल्म का ढांचा तो लेती है और प्रतिशोध जो है मेलोड्रामा कॉमेडी और रोमांस जो है अनगिनत इसमें देखने को मिलते हैं। फिल्म में नृत्य काफ़ी अच्छे हैं और चरमोत्कर्ष के रूप में देशभक्ति की खुराक इसमें रखा गया है। इंडियन एक्सप्रेस के सौरभ गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और इसे मेरा भारत महान भावनाओं वाली फिल्म बताया और एक महासागर के वजह से 11 से लेकर 12 और फ्लैश इसका जो फ्लैश डॉन्स के बीच एक क्रॉस बताया गया था। जो रेडिफ ने फिल्म को रिव्यू किया और इन्होंने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, ये फिल्म शुरू से ही नकल की तरह चलती है, जहाँ एक विशाल जो है लड़क जहाँ कुछ भी गंभीरता से नहीं लिया जाता है फिल्म में। इसके बाद दोस्तों फिल्म को NDTV ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा कि उन्होंने 2 स्टार रेटिंग दिया और कहा, बॉक्स ऑफिस पे कमाई के बावजूद इस फिल्म में फेस करने के लिए कुछ भी नया नहीं है। फर्स्ट पोस्ट के मिहिर कडन विशन ने कहा, फिल्म एक मोह वीडियो प्रोजेक्ट की तरह दिखता है जो यहाँ पे महसूस होती है, जो पूरे ब्रह्मांड में दो लोग पर फरहा और शाहरुख खान द्वारा प्रशंसा के लिए बनाई गई थी। यहाँ पे बता दे ओशंस 11 और यहाँ पे बबून द्वारा फिर से लिखी गई थी। यहाँ पे दोस्तों प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वर्ष ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिया, जहाँ पे मौलिकता पर लेते हुए कहा था कि मौलिकता क्या है, हैप्पी न्यू ईयर, ये हैप्पी न्यू ईयर फिल्म जो है फरहा खान की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक मूवी है, 2014 में रिलीज हुई। इसके बाद दोस्तों रॉयटर्स की शिल्पा जामखंडीकरण ने कहा था, फिल्म ने उदारता पूर्वक जो है हॉलीवुड की हिस्ट जो है फिल्मों से उधार लिया है, जो विशेष रूप से स्टीवन इसके अलावा सोडबर्ग की ओशन के साथ 11 से पहले छमाई हल्की और कई बार जो है वास्तव में मजा किया है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे दूसरी छमाई बढ़ती जाती है कार्यवाही निरस हो जाती है इस फिल्म की। इसके बाद दोस्तों हॉलीवुड रिपोर्टर्स की लिसा तसेरिंग ने फिल्म को रिव्यू करते हुए समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि ये फिल्म एक महत्वाकांक्षी संगीतमय और एक प्रेम कहानी और एक महासागर की फिल्म है, जो 11 शैली की अपराध शरारत के रूप में है। डॉन ने यहाँ पे कहा था कि सामी जो है कहर ने फिल्म को 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार दिया और कहा, फिल्म और सन्स यानी कि 11 प्लस जो है इटालियन के साथ जॉब प्लस स्टेप अप के ऑल इन वन के लिए ऑल इन वन सस्ते जो है आकार बिगड़ते एक्सटीरियर दिखाए गए हैं फिल्म के अंदर। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फिल्म की हिस्टोरी के बारे में। दोस्तों फिल्म में सबसे पहले देखने को मिलता है चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है और दोस्तों दिखाया गया है जो 8 साल से पर्से सुरक्षा आपूर्तिकर्ता और साली मार्जुए सिक्योरिटीज के मालिक चरण ग्रोवर से बदला लेने के लिए तड़प रहे हैं। गुरुवार ने चार्ली के पिता मनोहर शर्मा को गलत तरीके से एक चोर के रूप में गिरफ्तार किया था, क्योंकि गुरुवार ने मनोहर को $15 मिलियन के अपने हीरो को चुराने के लिए उकसाया था। यहाँ पे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 300 करोड़ रुपए यानी कि $39.48 मिलियन के हीरे यानी कि अटल लोटिस होटल दुबई पहुँचेंगे ये खबर मिली। चार्ली जो है हीरे चुराना और ग्रोवर को फ्रेम करना चाहता है, इसे पूरा करने के लिए वह एक टीम बनाता है। पूर्व कप्तान जो है जगमोहन जगप्रकाश सुनने में कठोर व्यक्तित्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेहमत यानी कि टेमिलो और टेमी ईरानी एक बूढ़ा और जब्ती जो है परवाना सुरक्षा कर्मी मोहन का सबसे अच्छा दोस्त था। रोहन सिंह एक युवा बुद्धिमान हैकर है जो कि जग का भतीजा है और यहाँ पे चरण के बेटे विक्की गुरुवार के हम जकल नंदू भी इसमें शामिल है। अब दोस्तों चार्ली ने टीम को समझाया कि होटल में कमरा 9C जो है तिजोरी से जुड़ा है, जो एक डॉक्ट सिस्टम के माध्यम से हीरे रखा गया है। हालांकि कमरा 9C वर्ल्ड डांसवे चैंपियनशिप जिसकी वजह से WDC में भाग लेने वाली
टीमों के लिए जो है यहाँ पे आरक्षित है। समूह ने तुरंत जो है WDC में शामिल होने से इनकार कर दिया और ये जो है इंगित करते हुए कि उनमें से कोई भी जो है नर्तक नहीं था, लेकिन चार्ली ने समूह को फिर से प्रेरित किया और उन्हें एक नृत्य टीम बनाने के लिए फिर से जो है बात किया। इसके बाद दोस्तों देखने को मिलता है कि एक फ्लैशबैक से ये पता चलता है कि चरण ग्रोवर ने मनोहर से मुलाकात की और उन्हें एक अभेक तिजोरी शामिल करने के लिए और बनाने का ठेका दिया। तिजोरी पूरी होने के बाद चरण ने मनोहर को यहाँ पे नशीला पदार्थ पिलाया और अपनी जो उंगलियों के निशान का इस्तेमाल करके हीरे चुराने के लिए राजी कर लिया। यहाँ पे दोस्तों समूह बिना किसी लाभ के नृत्य प्रशिक्षक को यहाँ पे नियुक्त करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हताशा में नंदू चार्ली को एक मराठी बार जो है डांसर मोहिनी से मिलवाया जाता है, जो चार्ली के अंग्रेजी उच्चारण से प्रभावित होती है और वह अंत तक उनके इरादों से अनजान है, क्योंकि उन्हें नृत्य सीखने में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। चार्ली और मोहिनी बहुत करीब आ जाते हैं इस बीच। अब दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है कि वो पहले के दौर में यानी कि अर्हता प्राप्त करने का प्रबंध करते हैं और अंत तक हैकिंग के माध्यम से वोट प्राप्त करके WDC में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने की प्रतियोगिता जीतते हैं। इसके बाद दोस्तों कई दर्शक जो है उनके कौशल की कमी के लिए उनका जो है तिरस्कार करते हैं, लेकिन चार्ली और उनकी टीम मोहिनी के बिना सभी जो है केवल यानी कि डकैती से चिंतित है। दुबई में टीम जो है कोरिया विशेष रूप से टीम इंडिया के प्रति शत्रुतापूर्ण है, जिसमें उनमें प्रयोजक जो है गुरुवा भी शामिल है। इसकी वजह से सेमीफाइनल में चार्ली एक कोरियाई टीम के सदस्य को एक डांस स्टंट के दौरान गंभीर चोट से बचाता है। दर्शकों से तुरंत जो है सम्मान प्राप्त करता है और प्रशंसा प्राप्त करता है। योजना पर जाने के बाद सब कुछ जो है तैयार है। यहाँ पे दुर्भाग्य से टीम को पता चलता है कि हीरे जो है क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या पर पहुंचेंगे, जो डकैती को रोका जाता है, जिसकी वजह से सौभाग्य से चार्ली की कार्रवाई से न्यायाधीश के प्रभावित होने के बाद जो है भारत फाइनल में पहुंच गया। एक दिन डकैती के बारे में सुनकर मोहिनी खत्म हो जाती है और जाने के लिए मुड़ जाती है। चार्ली उसे सब कुछ बताता है और बताता है कि मनोहर वास्तव में मर चुका है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मुकदमे की अपील की, लेकिन दोस्तों गुरुवार ने मनोहर के वकीलों को रिश्वत दी और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। मनोहर ने पूरी उम्मीद खोते हुए अपनी कलाई काट ली थी। इसकी वजह से हालांकि इससे मनोहर का बदला लेने के लिए टीम का दृढ़ जो संकल्प बढ़ जाता है और वह एक खास से पल साझा करते हैं और जहां पे मोहिनी उनकी मदद करने के लिए फिर तैयार हो जाती है। अंतिम दौर के रात दोस्तों यहां पे डकैती शुरू होती है, लेकिन मोहिनी विक्की को लिफ्ट में यहां पे फुसलाती है। फुसलाने के बाद वहां पे उसे जो है खटखटाया जाता है और उसका अंगूठा जंग धारा लिया गया है और यहाँ पे नंदू द्वारा उपयोग किया जाता है अंगूठा को, जो कक्ष जो है यानी कि खोलता है और यहीं पे टैमी जो है सफलतापूर्वक तिजोरी खोल लेता है। हालांकि दोस्तों चार्ली और यहीं पे टैमी को एक और जो है ग्लास से तिजोरी मिलती है, जिसमें जो है हीरे रखे गए हैं। इसे मनोहर ने बनाया था और इसमें जो है 7 अक्षर का पासवर्ड था। चार्ली ने तिजोरी खोली और ये महसूस करते हुए कि तिजोरी खोलने का पासवर्ड उसका अपना नाम था। हीरे चुराने के बाद टीम नाव पर चढ़ जाता है, लेकिन मोहिनी आने से मना कर देती है और वह बताती है कि जीवन में सबसे जरूरी चीज़ है सम्मान। पूरा भारत उनका समर्थन कर रहा था और वह भारत का सम्मान खोने नहीं दे रही थी। रोहन भी उसका साथ देता है, जिससे बाकी सदस्यों के बीच जो है लड़ाई हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जब टीम इंडिया जो है गायब पाई जाती है, तो गुरुवार का दावा है कि चोर वही है। मोहिनी मंच पर आती है इस बीच और कुछ जो है मिनटों के लिए अकेले ही परफॉर्म करती है। इसके तुरंत बाद टीम के अन्य सदस्य चौंकाने वाले गुरुवार दिखाई देते हैं। चार्ली अंत में प्रकट होता है और टीम जो है प्रतियोगिता जीत जाती है। चरण और यहीं पे विक्की जो है गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। चार्ली ने खुद को चरण के सामने प्रकट किया और उसकी जो है जेब में रख दिया था हीरा। उसी रेजर के साथ जो है ब्लेड से मनोहर ने उसकी कलाई काट दी थी और वह यहाँ पे देखता है कि पुलिस उसे ले जाती है। इसके बाद दोस्तों उसका बदला पूरा हो गया और टीम इंडिया जो है एयरपोर्ट पहुंच गई है। चार्ली अपने शीतल जो है पेय में हीरो को छलनी कर लेती है, लेकिन सुरक्षा गार्ड इसे नष्ट कर देते हैं, जिससे जो है टीम तबाह हो जाती है। हालांकि बाद में उड़ान के दौरान चार्ली ने खुलासा किया था कि उसने जो है नकली हीरो को असली के साथ ट्रॉफी पर बदल दिया था और टीम जो है भारत पहुंच जाती है। क्रेडिट के बाद के दृश्यों में नंदू को विजेताओं का चेक दिखाने के लिए बैंक से बाहर निकाल दिया जाता है। रोहन अंत में लड़कियों के बीच अपार के साथ जो लोकप्रियता हासिल करता है, जबकि दोस्तों यहाँ पे जग पहले बनाई जाती है। फिल्म का निर्देशक जो है
जाते हैं, जिसमें मूल निर्देशक बम नियंत्रक जो है होता है, जो जग ने पहले किया था। टैमी के पास अब कई जो है बुजुर्ग महिलाएं अपने नायक के रूप में उसका पीछा कर रही है। लंबी साजा पाने के बाद चरण और विक्की ग्रोवर अब दुबई शहर की जेल में अपनी बेगुनाही की गुहार लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन मोहिनी अपना खुद का जो है डांस स्कूल खोल लेती है उन पैसों से, और चार्ली एक हीरे से बने अंगूठी के साथ उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता फिल्म इसी के साथ समाप्त हो जाती है। तो फैंस, आपको इस फिल्म में ये कहानी देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप लोग हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। फैंस, ये फिल्म आपको अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। फैंस, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फैंस, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को, जिसे 2014 में रिलीज़ किया गया था। तो फैंस, ये फिल्म कौन सी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं। तो फैंस, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब दोस्तों, फिल्म के प्रचार के लिए कलाकारों के हस्तलेखन में लिखे गए डिजिटल रूप से यहीं पे व्यक्तिगत जो है पोस्टर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराए गए थे। अभिनेता शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, बोमन ईरानी, सोनू सूद और विवान शाह की टीम अपनी फिल्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध भारतीय टेलीविजन शो तारक मेहता उल्टा चश्मा पर गए थे। इसके बाद दोस्तों, रैपर योयो हनी सिंह और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म के कलाकारों और क्रू ने स्लैम जो है शीर्षक से एक प्रमोशनल टूर पाया था। यहां पे आपको बता दें, ह्यूस्टन ने 19 सितंबर से शुरू होकर ये न्यू जर्सी जो है वॉशिंगटन, टोरंटो और शिकागो में इस फिल्म के लिए प्रचार किए गए थे। फाइनली दोस्तों, 13 अक्टूबर 2014 को एंड्रॉयड और आईओएस के लिए हैप्पी न्यू ईयर द गेम नामक जो है फिल्म पर आधारित एक आधिकारिक जो है गेम जारी किया गया था। इसके बाद दोस्तों, इसे प्रोडक्शन कंपनी और गेम शस्त्र इंडिया, एक भारतीय खेल कला और इसके अलावा आउट सोर्सिंग स्टूडियो के सहयोग से बनाया था। यशराज फिल्म को दुनिया भर में वितरण अधिकार 1.25 बिलियन यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 20 मिलियन यूएसए डॉलर में इसको बेचे गए थे अधिकार। सेटेलाइट अधिकार के बारे में हम बात करें तो जी नेटवर्क को बेचा गया था 650 मिलियन में। जी हाँ फैंस, और दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये बॉलीवुड की फिल्म थी 2014 में। दुनिया भर में 394 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था इस फिल्म ने। और दोस्तों, इन पैसों को अगर हम यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 64 मिलियन से अधिक की कमाई किया था डॉलर में, जो इसे अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनाती है। इसमें दोस्तों, फिल्म के बारे में रिपोर्ट किया गया है, हैप्पी न्यू ईयर ने 44.97 करोड़ का संग्रह करके एक रिकॉर्ड बनाया था और ये एक ही दिन में आखिर तक इतना पहुंच गया था, जो ये फिल्म पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई जहां पे आमिर खान, अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ और फातिमा सनत से अभिनीत की गई 2018 की दिवाली रिलीज जो है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान धारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था इस फिल्म ने, जिसने पहले दिन जो है 52 करोड़ का संग्रह किया था, जो वर्तमान में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए दूसरा सबसे बड़ा कमाई करने वाला फिल्म है। और ये रिकॉर्ड युद्ध धारा तोड़ दिया गया, जिसने जो है संग्रह किया था 53 करोड़ से अधिक। फिल्म ने शनिवार को 285 मिलियन नेट कमाई किया था, जिसकी वजह से फिल्म में थोड़ा सा गिरावट देखा गया था रविवार को। कुल मिलाकर दोस्तों, फिल्म ने 394 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर लिया था 2014 में, और ये कमाई बहुत ज्यादा होता है किसी हिंदी फिल्म के लिए। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की ओवरसीज कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, फिल्म ने विदेशों में अपने थिएटर रन के अंत में फिल्म ने विदेशी बाजार में 16 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई किया था, जो हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 102 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था इसने ओवरसीज में। दोस्तों, फिल्म 12 फरवरी 2015 को चीन में रिलीज हुई थी और चीन में 3 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। और दोस्तों, फिल्म को भारत और विदेशों में समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं देखने को मिली। इसकी वजह से फॉरेन समीक्षकों के आधार पर रोटन टमाटोज पर इसकी 57 रेटिंग देखा गया है, जबकि मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन और हास्य सामग्री को प्रशंसा मिली थी। चरित्र विकास की कमी हुई थी यह भी बताया गया था, और अनौपचारिक जो है कथानक को आलोचना भी मिला था। CNN IBN के राजीव मंसद ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा है कि टिप्पणी की हैप्पी न्यू ईयर देखते समय आप बारी बारी से खुद को जो है हंसते और रोते हुए पाएंगे। इसमें निर्देशक जो है फराह खान कुशलता से एक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता परिदृश्य के खिलाफ एक चोरी की साजिश रचती है, और ये एक है जहाँ पे जिज्ञासु आधार और फराह जो है कई समान
खान के साथ तत्व को लाती है फिल्म में, जो उसने मैहुना फिल्म और ओम शांति ओम में अच्छे उपयोग के लिए लागू किया था, जहाँ पे 1970 के दशक के लिए बहुत सारे आत्मा संदर्भित किए गए थे फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म को रिव्यू करते हुए बॉलीवुड और कभी जो है कभार खुद पर हंसने की क्षमता भी बताया गया। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, ये फिल्म उन्मत्त जो है शोरगुल के साथ भड़कीला और मोटे तौर पर जो आनंदहीन है। फरहा चोरी की पारंपरिक जो फिल्म का ढांचा तो लेती है और प्रतिशोध जो है मेलोड्रामा कॉमेडी और रोमांस जो है अनगिनत इसमें देखने को मिलते हैं। फिल्म में नृत्य काफ़ी अच्छे हैं और चरमोत्कर्ष के रूप में देशभक्ति की खुराक इसमें रखा गया है। इंडियन एक्सप्रेस के सौरभ गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और इसे मेरा भारत महान भावनाओं वाली फिल्म बताया और एक महासागर के वजह से 11 से लेकर 12 और फ्लैश इसका जो फ्लैश डॉन्स के बीच एक क्रॉस बताया गया था। जो रेडिफ ने फिल्म को रिव्यू किया और इन्होंने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, यह फिल्म शुरू से ही नकल की तरह चलती है, जहां एक विशाल जो है लड़क जहां कुछ भी गंभीरता से नहीं लिया जाता है फिल्म में। इसके बाद दोस्तों फिल्म को NDTV ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा कि उन्होंने 2 स्टार रेटिंग दिया और कहा, बॉक्स ऑफिस पे कमाई के बावजूद इस फिल्म में पेश करने के लिए कुछ भी नया नहीं है। फर्स्ट पोस्ट के मिहिर कडन विशन ने कहा, फिल्म एक मोह वीडियो प्रोजेक्ट की तरह दिखता है जो यहाँ पे महसूस होती है, जो पूरे ब्रह्मांड में 2 लोग पर फरहा और शाहरुख खान द्वारा प्रशंसा के लिए बनाई गई थी। यहाँ पे बता दे ओशंस 11 और यहाँ पे बबून द्वारा फिर से लिखी गई थी। यहाँ पे दोस्तों प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वर्ष ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिया, जहाँ पे मौलिकता पर लेते हुए कहा था कि मौलिकता क्या है, हैप्पी न्यू ईयर, ये हैप्पी न्यू ईयर फिल्म जो है फरहा खान की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक मूवी है, 2014 में रिलीज हुई। इसके बाद दोस्तों रॉयटर्स की शिल्पा जामखंडीकरन ने कहा था, फिल्म ने उदारता पूर्वक जो है हॉलीवुड की हिस्ट जो है फिल्मों से उधार लिया है, जो विशेष रूप से S1 इसके अलावा शोर्ड वर्ग की ओशन के साथ 11 से पहले छमाई हल्की और कई बार जो है वास्तव में मजाकिया है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे दूसरी छमाई बढ़ती जाती है कार्यवाही निरस हो जाती है इस फिल्म की। इसके बाद दोस्तों हॉलीवुड रिपोर्टर्स की लिसा तसेरिंग ने फिल्म को रिव्यू करते हुए समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि ये फिल्म एक महत्वाकांक्षी संगीतमय और एक प्रेम कहानी और एक महासागर की फिल्म है, जो 11 शैली की अपराध शरारत के रूप में है। डॉन ने यहाँ पे कहा था कि सामी जो है कहर ने फिल्म को 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार दिया और कहा, फिल्म ओशंस यानी कि 11+ जो है इटालियन के साथ जॉब प्लस स्टेप अप के ऑल इन वन सस्ते जो है आकार बिगड़ते एक्सटीरियर दिखाए गए हैं फिल्म के अंदर। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फिल्म की हिस्टोरी के बारे में। दोस्तों फिल्म में सबसे पहले देखने को मिलता है चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है और दोस्तों दिखाया गया है जो 8 साल से पर्से सुरक्षा आपूर्तिकर्ता और साली मार्जुए सिक्योरिटीज के मालिक चरण ग्रोवर से बदला लेने के लिए तड़प रहे हैं। गुरुवार ने चार्ली के पिता मनोहर शर्मा को गलत तरीके से एक चोर के रूप में गिरफ्तार किया था, क्योंकि गुरुवार ने मनोहर को $15 मिलियन के अपने हीरो को चुराने के लिए उकसाया था। यहाँ पे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 300 करोड़ रुपए यानी कि $39.48 मिलियन के हीरे यानी कि अटल लोटिस होटल दुबई पहुँचेंगे ये खबर मिली। चार्ली जो है हीरे चुराना और ग्रोवर को फ्रेम करना चाहता है, इसे पूरा करने के लिए वह एक टीम बनाता है। पूर्व कप्तान जो है जगमोहन जगप्रकाश सुनने में कठोर व्यक्तित्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेहमत यानी कि टेमिलो और टेमी ईरानी एक बूढ़ा और जब्ती जो है परवाना सुरक्षा कर्मी मोहन का सबसे अच्छा दोस्त था। रोहन सिंह एक युवा बुद्धिमान हैकर है जो कि जग का भतीजा है और यहाँ पे चरण के बेटे विक्की गुरुवार के हम जगल नंदू भी इसमें शामिल है। अब दोस्तों चार्ली ने टीम को समझाया कि होटल में कमरा 9C जो है तिजोरी से जुड़ा है, जो एक डॉक्टर सिस्टम के माध्यम से हीरे रखा गया है। हालांकि कमरा 9C वर्ल्ड डांसवे चैंपियनशिप जिसकी वजह से WDC में भाग लेने वाली टीमों के लिए जो है यहाँ पे आरक्षित है। समूह ने तुरंत जो है WDC में शामिल होने से इनकार कर दिया और ये जो है इंगित करते हुए कि उनमें से कोई भी जो है नर्तक नहीं था, लेकिन चार्ली ने समूह को फिर से प्रेरित किया और उन्हें एक नृत्य टीम बनाने के लिए फिर से जो है बात किया। इसके बाद दोस्तों देखने को मिलता है कि एक फ्लैशबैक से ये पता चलता है कि चरण गुरुवार ने मनोहर से मुलाकात की और उन्हें एक अभेक तिजोरी शामिल करने के लिए और बनाने का ठेका दिया। तिजोरी पूरी होने के बाद चरण ने मनोहर को यहाँ पे नशीला पदार्थ पिलाया और अपनी जो उंगलियों के निशान का इस्तेमाल करके
हीरे चुराने के लिए राजी कर लिया। यहाँ पे दोस्तों समूह बिना किसी लाभ के नृत्य प्रशिक्षक को यहाँ पे नियुक्त करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हताशा में नंदू चार्ली को एक मराठी बार जो है डांसर मोहिनी से मिलवाया जाता है, जो चार्ली के अंग्रेजी उच्चारण से प्रभावित होती है और वह अंत तक उनके इरादों से अनजान है, क्योंकि उन्हें नृत्य सीखने में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। चार्ली और मोहिनी बहुत करीब आ जाते हैं इस बीच। अब दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है कि वो पहले के दौर में यानी कि अर्हता प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं और अंत तक हैकिंग के माध्यम से वोट प्राप्त करके WDC में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने की प्रतियोगिता जीतते हैं। इसके बाद दोस्तों कई दर्शक जो है उनके कौशल की कमी के लिए उनका जो है तिरस्कार करते हैं, लेकिन चार्ली और उनकी टीम मोहिनी के बिना सभी जो है केवल यानी कि डकैती से चिंतित है। दुबई में टीम जो है कोरिया विशेष रूप से टीम इंडिया के प्रति शत्रुतापूर्ण है, जिसमें उनके प्रयोग उनमें प्रयोजक जो है गुरुवा भी शामिल है। इसकी वजह से सेमीफाइनल में चार्ली एक कोरियाई टीम के सदस्य को एक डांस स्टंट के दौरान गंभीर चोट से बचाता है, दर्शकों से तुरंत जो है सम्मान प्राप्त करता है और प्रशंसा प्राप्त करता है। योजना पर जाने के बाद सब कुछ जो है तैयार है, यहाँ पे दुर्भाग्य से टीम को पता चलता है कि हीरे जो है क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या पर पहुंचेंगे, जो डकैती को रोका जाता है, जिसकी वजह से सौभाग्य से चार्ली की कार्रवाई से न्यायाधीश के प्रभावित होने के बाद जो है भारत फाइनल में पहुंच गया। एक दिन डकैती के बारे में सुनकर मोहिनी खत्म हो जाती है और जाने के लिए मुड़ जाती है। चार्ली उसे सब कुछ बताता है और बताता है कि मनोहर वास्तव में मर चुका है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मुकदमे की अपील की, लेकिन दोस्तों गुरुवार ने मनोहर के वकीलों को रिश्वत दी और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। मनोहर ने पूरी उम्मीद खोते हुए अपनी कलाई काट ली थी। इसकी वजह से हालांकि इससे मनोहर का बदला लेने के लिए टीम का दृढ़ जो संकल्प बढ़ जाता है और वह एक खास से पल साझा करते हैं और जहां पे मोहिनी उनकी मदद करने के लिए फिर तैयार हो जाती है। अंतिम दौर के रात दोस्तों यहां पे डकैती शुरू होती है, लेकिन मोहिनी विक्की को लिफ्ट में यहां पे फुसलाती है। फुसलाने के बाद वहां पे उसे जो है खटखटाया जाता है और उसका अंगूठा जंग धारा लिया गया है और यहां पे नंदू धारा उपयोग किया जाता है अंगूठा को, जो कक्ष जो है यानी कि खोलता है और यहीं पे टैमी जो है सफलतापूर्वक तिजोरी खोल लेता है। हालांकि दोस्तों चार्ली और यहीं पे टैमी को एक और जो है ग्लास तिजोरी मिलती है, जिसमें जो है हीरे रखे गए हैं। इसे मनोहर ने बनाया था और इसमें जो है 7 अक्षर का पासवर्ड था। चार्ली ने तिजोरी खोली और ये महसूस करते हुए कि तिजोरी खोलने का पासवर्ड उसका अपना नाम था। हीरे चुराने के बाद टीम नाव पर चढ़ जाता है, लेकिन मोहिनी आने से मना कर देती है और वह बताती है कि जीवन में सबसे जरूरी चीज है सम्मान। पूरा भारत उनका समर्थन कर रहा था और वह भारत का सम्मान खोने नहीं दे रही थी। रोहन भी उसका साथ देता है, जिससे बाकी सदस्यों के बीच जो है लड़ाई हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जब टीम इंडिया जो है गायब पाई जाती है, तो गुरुवार का दावा है कि चोर वही है। मोहिनी मंच पर आती है इस बीच और कुछ जो है मिनटों के लिए अकेले ही परफॉर्म करती है। इसके तुरंत बाद टीम के अन्य सदस्य चौंकाने वाले गुरुवार दिखाई देते हैं। चार्ली अंत में प्रकट होता है और टीम जो है प्रतियोगिता जीत जाती है। चरण और यहीं पर विक्की जो है गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। चार्ली ने खुद को चरण के सामने प्रकट किया और उसकी जो है जेब में रख दिया था हीरा। उसी रेजर के साथ जो है ब्लेड से मनोहर ने उसकी कलाई काट दी थी और वह यहां पे देखता है कि पुलिस उसे ले जाती है। इसके बाद दोस्तों उसका बदला पूरा हो गया और टीम इंडिया जो है एयरपोर्ट पहुंच गई है। चार्ली अपने शीतल जो है पेय में हीरो को छलनी कर लेती है, लेकिन सुरक्षा गार्ड इसे नष्ट कर देते हैं, जिससे जो है टीम तबाह हो जाती है। हालांकि बाद में उड़ान के दौरान चार्ली ने खुलासा किया था कि उसने जो है नकली हीरो को असली के साथ ट्रॉफी पर बदल दिया था और टीम जो है भारत पहुँच जाती है। क्रेडिट के बाद के दृश्यों में नंदू को विजेताओं का चेक दिखाने के लिए बैंक से बाहर निकाल दिया जाता है। रोहन अंत में लड़कियों के बीच अबार के साथ जो लोकप्रियता हासिल करता है, जबकि दोस्तों यहां पे जग पहले बनाई जाती है। फिल्म का निर्देशक जो है करते हैं, जिसमें मूल निर्देशक बम नियंत्रक जो है होता है, जो जग ने पहले किया था। टैमी के पास अब कई जो है बुजुर्ग महिलाएं अपने नायक के रूप में उसका पीछा कर रही है। लंबी साजा पाने के बाद चरण और विक्की गुरुवार अब दुबई शहर की जेल में अपनी बेगुनाही की गुहार लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन मोहिनी अपना खुद का जो है डांस स्कूल खोल लेती है उन पैसों से और चार्ली एक हीरे से बने अंगूठी के साथ उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। फिल्म इसी के साथ समाप्त हो जाती है। तो फैंस, आपको इस फिल्म में ये कहानी देखने को मिलता है।
दोस्तों अगर आप लोग हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स ये फिल्म आपको अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को, जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स ये फिल्म कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब दोस्तों फिल्म के प्रचार के लिए कलाकारों के हस्तलेखन में लिखे गए डिजिटल रूप से यहीं पे व्यक्तिगत जो है पोस्टर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराए गए थे। अभिनेता शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, बोमन ईरानी, सोनू सूद और विवान शाह की टीम अपनी फिल्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध भारतीय टेलीविजन शो तारक मेहता उल्टा चश्मा पर गए थे। इसके बाद दोस्तों रैपर यो-यो हनी सिंह और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म के कलाकारों और क्रू ने इस लैम जो शीर्षक से एक प्रमोशनल टूर पाया था। यहां पे आपको बता दें ह्यूस्टन ने 19 सितंबर से शुरू होकर ये न्यू जर्सी जो है वाशिंगटन, टोरंटो और शिकागो में इस फिल्म के लिए प्रचार किए गए थे। फाइनली दोस्तों 13 अक्टूबर 2014 को एंड्रॉयड और iOS के लिए हैप्पी न्यू ईयर द गेम नामक जो है फिल्म पर आधारित एक आधिकारिक जो है गेम जारी किया गया था। इसके बाद दोस्तों इसे प्रोडक्शन कंपनी और गेम शस्त्र इंडिया एक भारतीय खेल कला और इसके अलावा आउट सोर्सिंग स्टूडियो के सहयोग से बनाया था। यशराज फिल्म को दुनिया भर में वितरण अधिकार 1.25 बिलियन यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 20 मिलियन यूएसए डॉलर में इसको बेचे गए थे अधिकार। सेटेलाइट अधिकार के बारे में हम बात करें तो जी नेटवर्क को बेचा गया था 650 मिलियन में। जी हाँ फैंस से। और दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये बॉलीवुड की फिल्म थी 2014 में। दुनिया भर में 394 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था इस फिल्म ने। और दोस्तों इन पैसों को अगर हम यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 64 मिलियन से अधिक की कमाई किया था डॉलर में, जो इसे अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनाती है। दोस्तों फिल्म के बारे में रिपोर्ट किया गया है, हैप्पी न्यू ईयर ने 44.97 करोड़ का संग्रह करके एक रिकॉर्ड बनाया था और ये एक ही दिन में आखिर तक इतना पहुंच गया था, जो ये फिल्म पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई जहां पे आमिर खान, अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख अभिनीत की गई 2018 की दिवाली रिलीज जो है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान धारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था इस फिल्म ने, जिसने पहले दिन जो है 52 करोड़ का संग्रह किया था, जो वर्तमान में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए दूसरा सबसे बड़ा कमाई करने वाला फिल्म है। और ये रिकॉर्ड युद्ध धारा तोड़ दिया गया, जिसने जो है संग्रह किया था 53 करोड़ से अधिक। फिल्म ने शनिवार को 285 मिलियन नेट कमाई किया था, जिसकी वजह से फिल्म में थोड़ा सा गिरावट देखा गया था रविवार को। कुल मिला के दोस्तों फिल्म ने 394 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर लिया था 2014 में, और ये कमाई बहुत ज्यादा होता है किसी हिंदी फिल्म के लिए। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फिल्म की ओवरसीज कलेक्शन के बारे में। दोस्तों फिल्म ने विदेशों में अपने थिएटर रन के अंत में फिल्म ने विदेशी बाजार में 16 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई किया था, जो हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 102 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था इसने ओवरसीज में। दोस्तों फिल्म 12 फरवरी 2015 को चीन में रिलीज हुई थी और चीन में 3 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। और दोस्तों फिल्म को भारत और विदेशों में समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं देखने को मिली। इसकी वजह से 14 समीक्षकों के आधार पर रोटन टमाटोज पर इसकी 57 रेटिंग देखा गया है, जबकि मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन और हास्य सामग्री को प्रशंसा मिली थी। चरित्र विकास की कमी हुई थी यह भी बताया गया था और अनौपचारिक जो है कथानक को आलोचना भी मिला था। CNN IBN के राजीव मंसद ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा है कि टिप्पणी की हैप्पी न्यू ईयर देखते समय आप बारी बारी से खुद को जो है हंसते और रोते हुए पाएंगे। इसमें निर्देशक जो है फराह खान कुशलता से एक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता परिदृश्य के खिलाफ एक चोरी की साजिश रचती है और ये एक है जहाँ पे जिज्ञासु आधार और फराह जो है कई सम्मान के साथ तत्वों को लाती है फिल्म में, जो उसने मैं हूं ना फिल्म और ओम शांति ओम में अच्छे उपयोग के लिए लागू किया था, जहाँ पे 70 के दशक के लिए बहुत सारे आत्मा संदर्भित किए गए थे फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म को रिव्यू करते हुए बॉलीवुड और कभी जो है कभार खुद पर हंसने की क्षमता भी बताया गया। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा ये फिल्म उन्मत्त जो है शोरगुल के साथ भड़कीला और मोटे तौर पर जो आनंदहीन है।
फरहा चूरी की पारंपरिक जो फिल्म का ढांचा तो लेती है और पार्टी शो जो है मेलोड्रामा कॉमेडी और रोमांस जो है अनगिनत इसमें देखने को मिलते हैं। फिल्म में नृत्य काफ़ी अच्छे हैं और चरमो तकर्ष के रूप में देशभक्ति की खुराक इसमें रखा गया है। इंडियन एक्सप्रेस के सौरभ गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और इसे मेरा भारत महान भावनाओं वाली फिल्म बताया और एक महासागर के वजह से 11 से लेकर 12 और फ्लैश इसका जो फ्लैश डॉन्स के बीच एक क्रॉस बताया गया था। जो रेडिफ ने फिल्म को रिव्यू किया और इन्होंने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा ये फिल्म शुरू से ही नकल की तरह चलती है जहां एक विशाल जो है लड़क जहां कुछ भी गंभीरता से नहीं लिया जाता है फिल्म में। इसके बाद दोस्तों फिल्म को NDTV ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा कि उन्होंने 2 स्टार रेटिंग दिया और कहा बॉक्स ऑफिस में कमाई के बावजूद इस फिल्म में पेश करने के लिए कुछ भी नया नहीं है। फर्स्ट पोस्ट के मिहिर कडन विशन ने कहा फिल्म एक मोह वीडियो प्रोजेक्ट की तरह दिखता है जो यहाँ पे महसूस होती है जो पूरे ब्रह्मांड में 2 लोग पर फरहा और शाहरुख खान द्वारा प्रशंसा के लिए बनाई गई थी। यहाँ पे बता दे ओशंस 11 और यहाँ पे बबून द्वारा फिर से लिखी गई थी। यहाँ पे दोस्तों प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वर्ष ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिया जहाँ पे मौलिकता पर लेते हुए कहा था कि मौलिकता क्या है, हैप्पी न्यू ईयर, ये हैप्पी न्यू ईयर फिल्म जो है फरहा खान की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक मूवी है, 2014 में रिलीज हुई। इसके बाद दोस्तों रॉयटर्स की शिल्पा जामखंडीकरण ने कहा था फिल्म ने उदारता पूर्वक जो है हॉलीवुड की हिस्ट जो है फिल्मों से उधार लिया है जो विशेष रूप से S1 इसके अलावा शोर्ड वर्ग की ओशन के साथ 11 से पहले छमाई हल्की और कई बार जो है वास्तव में मजा किया है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे दूसरी छमाई बढ़ती जाती है कार्यवाही निरस हो जाती है इस फिल्म की। इसके बाद दोस्तों हॉलीवुड रिपोर्टर्स की लिसा तसेरिंग ने फिल्म को रिव्यू करते हुए समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि ये फिल्म एक महत्वाकांक्षी संगीत में और एक प्रेम कहानी और एक महासागर की फिल्म है जो 11 शैली की अपराध शरारत के रूप में है। डॉन ने यहाँ पे कहा था कि सामी जो है कहर ने फिल्म को 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार दिया और कहा फिल्म ओशंस यानी कि 11 प्लस जो है इटालियन के साथ जॉब प्लस स्टेप अप के All-in-1 के लिए All-in-1 सस्ते जो है आकार बिगड़ते एक्सटीरियर दिखाए गए हैं फिल्म के अंदर। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फिल्म की हिस्टोरी के बारे में। दोस्तों फिल्म में सबसे पहले देखने को मिलता है चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है और दोस्तों दिखाया गया है जो 8 साल से पर्सनल सुरक्षा आपूर्ति करता और साली मार्जुए सिक्योरिटीज के मालिक चरण ग्रोवर से बदला लेने के लिए तड़प रहे हैं। गुरुवार ने चार्ली के पिता मनोहर शर्मा को गलत तरीके से एक चोर के रूप में गिरफ्तार किया था क्योंकि गुरुवार ने मनोहर को $15 मिलियन के अपने हीरो को चुराने के लिए उकसाया था। यहाँ पे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 300 करोड़ रुपए यानी कि $39.48 मिलियन के हीरे यानी कि अटल लटिस होटल दुबई पहुँचेंगे ये खबर मिली। चार्ली जो है हीरे चुराना और ग्रोवर को फ्रेम करना चाहता है, इसे पूरा करने के लिए वह एक टीम बनाता है। पूर्व कप्तान जो है जगमोहन जगप्रकाश सुनने में कठोर व्यक्तित्व होते हैं क्योंकि यहाँ पे टेहमत यानी कि टेमिलो और टेमी ईरानी एक बूढ़ा और जब्ती जो है परवाना सुरक्षा कर्मी मोहन का सबसे अच्छा दोस्त था। रोहन सिंह एक युवा बुद्धिमान हैकर है जो कि जग का भतीजा है और यहाँ पे चरण के बेटे विक्की गुरुवार के हम जगल नंदू भी इसमें शामिल है। अब दोस्तों चार्ली ने टीम को समझाया कि होटल में कमरा 9C जो है तिजोरी से जुड़ा है जो एक डॉक्ट सिस्टम के माध्यम से हीरे रखा गया है। हालांकि कमरा 9C वर्ल्ड डांसवे चैंपियनशिप जिसकी वजह से WDC में भाग लेने वाली टीमों के लिए जो है यहाँ पे आरक्षित है। समूह ने तुरंत जो है WDC में शामिल होने से इनकार कर दिया और ये जो है इंगित करते हुए कि उनमें से कोई भी जो है नर्तक नहीं था। लेकिन चार्ली ने समूह को फिर से प्रेरित किया और उन्हें एक नृत्य टीम बनाने के लिए फिर से जो है बात किया। इसके बाद दोस्तों देखने को मिलता है कि एक फ्लैशबैक से ये पता चलता है कि चरण ग्रोवर ने मनोहर से मुलाकात की और उन्हें एक अभेक तिजोरी शामिल करने के लिए और बनाने का ठेका दिया। तिजोरी पूरी होने के बाद चरण ने मनोहर को यहाँ पे नशीला पदार्थ पिलाया और अपनी जो उंगलियों के निशान का इस्तेमाल करके हीरे चुराने के लिए राजी कर लिया। यहाँ पे दोस्तों समूह बिना किसी लाभ के नृत्य प्रशिक्षक को यहाँ पे नियुक्त करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन हताशा में नंदू चार्ली को एक मराठी बार जो है डांसर मोहिनी से मिलवाया जाता है जो चार्ली के अंग्रेजी उच्चारण से प्रभावित होती है और वह अंत तक उनके इरादों से अनजान है क्योंकि उन्हें नृत्य सीखने में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। चार्ली और मोहिनी बहुत करीब आ जाते हैं इस बीच।
अब दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है कि वो पहले के दौर में यानी कि आहर्ता प्राप्त करने का प्रबंध करते हैं और अंत तक हैकिंग के माध्यम से वोट प्राप्त करके WDC में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने की प्रतियोगिता जीतते हैं। इसके बाद दोस्तों कई दर्शक जो है उनके कौशल की कमी के लिए उनका जो है तिरस्कार करते हैं, लेकिन चार्ली और उनकी टीम मोहिनी के बिना सभी जो है केवल यानी कि डकैती से चिंतित है। दुबई में टीम जो है कोरिया विशेष रूप से टीम इंडिया के प्रति शत्रुतापूर्ण है, जिसमें उनके उनमें प्रयोजक जो है गुरुवा भी शामिल है। इसकी वजह से सेमीफाइनल में चार्ली एक कोरियाई टीम के सदस्य को एक डांस स्टंट के दौरान गंभीर चोट से बचाता है, दर्शकों से तुरंत जो है सम्मान प्राप्त करता है और प्रशंसा प्राप्त करता है। योजना पर जाने के बाद सब कुछ जो है तैयार है, यहाँ पे दुर्भाग्य से टीम को पता चलता है कि हीरे जो है क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या पर पहुंचेंगे, जो डकैती को रोका जाता है, जिसकी वजह से सौभाग्य से चार्ली की कार्रवाई से न्यायाधीश के प्रभावित होने के बाद जो है भारत फाइनल में पहुंच गया। एक दिन डकैती के बारे में सुनकर मोहिनी खत्म हो जाती है और जाने के लिए मुड़ जाती है। चार्ली उसे सब कुछ बताता है और बताता है कि मनोहर वास्तव में मर चुका है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मुकदमे की अपील की, लेकिन दोस्तों गुरुवार ने मनोहर के वकीलों को रिश्वत दी और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। मनोहर ने पूरी उम्मीद खोते हुए अपनी कलाई काट ली थी। इसकी वजह से हालांकि इससे मनोहर का बदला लेने के लिए टीम का दृढ़ संकल्प बढ़ जाता है और वह एक खास से पल साझा करते हैं और जहां पे मोहिनी उनकी मदद करने के लिए फिर तैयार हो जाती है। अंतिम दौर के रात दोस्तों यहां पे डकैती शुरू होती है, लेकिन मोहिनी विक्की को लिफ्ट में यहां पे फुसलाती है। फुसलाने के बाद वहां पे उसे जो है खटखटाया जाता है और उसका अंगूठा जग धारा लिया गया है और यहां पे नंदू धारा उपयोग किया जाता है अंगूठा को, जो कक्ष जो यानी कि खोलता है और यहीं पे टैमी जो है सफलतापूर्वक तिजोरी खोल लेता है। हालांकि दोस्तों चार्ली और यहीं पे टैमी को एक और जो है ग्लास से तिजोरी मिलती है, जिसमें जो है हीरे रखे गए हैं। इसे मनोहर ने बनाया था और इसमें जो है 7 अक्षर का पासवर्ड था। चार्ली ने तिजोरी खोली और ये महसूस करते हुए कि तिजोरी खोलने का पासवर्ड उसका अपना नाम था। हीरे चुराने के बाद टीम नाव पर चढ़ जाता है, लेकिन मोहिनी आने से मना कर देती है और वह बताती है कि जीवन में सबसे जरूरी चीज़ है सम्मान। पूरा भारत उनका समर्थन कर रहा था और वह भारत का सम्मान खोने नहीं दे रही थी। रोहन भी उसका साथ देता है, जिससे बाकी सदस्यों के बीच जो है लड़ाई हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जब टीम इंडिया जो है गायब पाई जाती है, तो गुरुवार का दावा है कि चोर वही है। मोहिनी मंच पर आती है इस बीच और कुछ जो है मिनटों के लिए अकेले ही परफॉर्म करती है। इसके तुरंत बाद टीम के अन्य सदस्य चौंकाने वाले गुरुवार दिखाई देते हैं। चार्ली अंत में प्रकट होता है और टीम जो है प्रतियोगिता जीत जाती है। चरण और यहीं पे विक्की जो है गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। चार्ली ने खुद को चरण के सामने प्रकट किया और उसकी जो है जेब में रख दिया था हीरा। उसी रेजर के साथ जो है ब्लेड से मनोहर ने उसकी कलाई काट दी थी और वह यहाँ पे देखता है कि पुलिस उसे ले जाती है। इसके बाद दोस्तों उसका बदला पूरा हो गया और टीम इंडिया जो है एयरपोर्ट पहुँच गई है। चार्ली अपने शीतल जो है पे में हीरो को छलनी कर लेती है, लेकिन सुरक्षा गार्ड इसे नष्ट कर देते हैं, जिससे जो है टीम तबाह हो जाती है। हालांकि बाद में उड़ान के दौरान चार्ली ने खुलासा किया था कि उसने जो है नकली हीरो को असली के साथ ट्रॉफी पर बदल दिया था और टीम जो है भारत पहुंच जाती है। क्रेडिट के बाद के दृश्यों में नंदू को विजेताओं का चेक दिखाने के लिए बैंक से बाहर निकाल दिया जाता है। रोहन अंत में लड़कियों के बीच अखबार के साथ जो लोकप्रियता हासिल करता है, जबकि दोस्तों यहाँ पे जग पहले बनाई जाती है। फिल्म का निर्देशक जो है करते हैं, जिसमें मूल निर्देशक बम नियंत्रक जो है होता है, जो जग ने पहले किया था। टैमी के पास अब कई जो है बुजुर्ग महिलाएं अपने नायक के रूप में उसका पीछा कर रही है। लंबी साझा पाने के बाद चरण और विक्की गुरुवार अब दुबई शहर की जेल में अपनी बेगुनाही की गुहार लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन मोहिनी अपना खुद का जो है डांस स्कूल खोल लेती है उन पैसों से और चार्ली एक हीरे से बने अंगूठी के साथ उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। फिल्म इसी के साथ समाप्त हो जाती है। तो फैंस आपको इस फिल्म में ये कहानी देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप लोग हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को यूरोप पर देखना चाहते हो तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। फैंस ये फिल्म आपको अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा।
फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को, जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स ये फिल्म कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब दोस्तों फिल्म के प्रचार के लिए कलाकारों के हस्तलेखन में लिखे गए डिजिटल रूप से यहीं पे व्यक्तिगत जो है पोस्टर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराए गए थे। अभिनेता शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, बोमन ईरानी, सोनू सूद और विवान शाह की टीम अपनी फिल्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध भारतीय टेलीविजन शो तारक मेहता उल्टा चश्मा पर गए थे। इसके बाद दोस्तों रैपर यो-यो हनी सिंह और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म के कलाकारों और क्रू ने इस लैम जो शीर्षक से एक प्रमोशनल टूर पाया था। यहां पे आपको बता दें ह्यूस्टन ने 19 सितंबर से शुरू होकर ये न्यू जर्सी जो है वॉशिंगटन, टोरंटो और शिकागो में इस फिल्म के लिए प्रचार किए गए थे। फाइनली दोस्तों 13 अक्टूबर 2014 को एंड्रॉयड और iOS के लिए हैप्पी न्यू ईयर द गेम नामक जो है फिल्म पर आधारित एक आधिकारिक जो है गेम जारी किया गया था। इसके बाद दोस्तों इसे प्रोडक्शन कंपनी और गेम शस्त्र इंडिया एक भारतीय खेल कला और इसके अलावा आउट सोर्सिंग स्टूडियो के सहयोग से बनाया था। यशराज फिल्म को दुनिया भर में वितरण अधिकार 1.25 बिलियन यूएसए में कन्वर्ट करे तो 20 मिलियन यूएसए डॉलर में इसको बेचे गए थे। अधिकार सेटेलाइट अधिकार के बारे में हम बात करें तो जी नेटवर्क को बेचा गया था 650 मिलियन में। जी हाँ फैंस से। और दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये बॉलीवुड की फिल्म थी 2014 में। दुनिया भर में 394 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था इस फिल्म ने। और दोस्तों इन पैसों को अगर हम यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 64 मिलियन से अधिक ही कमाई किया था डॉलर में, जो इसे अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनाती है। इसके दोस्तों फिल्म के बारे में रिपोर्ट किया गया है हैप्पी न्यू ईयर ने 44.97 करोड़ का संग्रह करके एक रिकॉर्ड बनाया था और ये एक ही दिन में आखिरी तक इतना पहुंच गया था, जो ये फिल्म पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई जहां पे आमिर खान, अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ और फातिमा सना से अभिनीत की गई 2018 की दिवाली रिलीज जो है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान धारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था इस फिल्म ने, जिसने पहले दिन जो है 52 करोड़ का संग्रह किया था, जो वर्तमान में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए दूसरा सबसे बड़ा कमाई करने वाला फिल्म है। और ये रिकॉर्ड युद्ध धारा तोड़ दिया गया, जिसने जो है संग्रह किया था 53 करोड़ से अधिक। फिल्म ने शनिवार को 285 मिलियन नेट कमाई किया था, जिसकी वजह से फिल्म में थोड़ा सा गिरावट देखा गया था रविवार को। कुल मिला के दोस्तों फिल्म ने 394 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर लिया था 2014 में, और ये कमाई बहुत ज्यादा होता है किसी हिंदी फिल्म के लिए। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की ओवरसीज कलेक्शन के बारे में। दोस्तों फिल्म ने विदेशों में अपने थिएटर रन के अंत में फिल्म ने विदेशी बाजार में 16 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई किया था, जो हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 102 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था इसने ओवरसीज में। दोस्तों फिल्म 12 फरवरी 2015 को चीन में रिलीज हुई थी और चीन में 3 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। और दोस्तों फिल्म को भारत और विदेशों में समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं देखने को मिली। इसकी वजह से 14 समीक्षकों के आधार पर रोटन टमाटोज पर इसकी 57 रेटिंग देखा गया है, जबकि मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन और हास्य सामग्री को प्रशंसा मिली थी। चरित्र विकास की कमी हुई थी यह भी बताया गया था और अनौपचारिक जो है कथानक को आलोचना भी मिला था। CNN IBN के राजीव मंसद ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा है कि टिप्पणी की हैप्पी न्यू ईयर देखते समय आप बारी बारी से खुद को जो है हंसते और रोते हुए पाएंगे। इसमें निर्देशक जो है फराह खान कुशलता से एक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता परिदृश्य के खिलाफ एक चोरी की साजिश रचती है, और ये एक है जहाँ पे जिज्ञासु आधार और फराह जो है कई सम्मान के साथ तत्वों को लाती है फिल्म में, जो उसने मैं हूं ना फिल्म और ओम शांति ओम में अच्छे उपयोग के लिए लागू किया था, जहाँ पे 70 के दशक के लिए बहुत सारे आत्मा संदर्भित किए गए थे फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म को रिव्यू करते हुए बॉलीवुड और कभी जो है कभार खुद पर हंसने की क्षमता भी बताया गया। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, ये फिल्म उन्मत्त जो है शोरगुल के साथ भड़कीला और मोटे तौर पर जो आनंदहीन है। फरहा चोरी की पारंपरिक जो है फिल्म का ढांचा तो लेती है और प्रतिशोध जो है मेलोड्रामा, कॉमेडी और रोमांस जो है अनगिनत इसमें देखने को मिलते हैं। फिल्म में नृत्य काफी अच्छे हैं और चरमोत्कर्ष के रूप में देशभक्ति की खुराक इसमें रखा गया है। इंडियन एक्सप्रेस के सौरभ गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और इसे मेरा भारत महान भावनाओं वाली फिल्म बताया,
और एक महासागर के वजह से 11 से लेकर 12 और फ्लैश इसका जो फ्लैश डॉन्स के बीच एक क्रॉस बताया गया था। जो रेडिफ ने फिल्म को रिव्यू किया और इन्होंने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा कि ये फिल्म शुरू से ही नकल की तरह चलती है, जहां एक विशाल जो है लड़क जहां कुछ भी गंभीरता से नहीं लिया जाता है फिल्म में। इसके बाद दोस्तों फिल्म को NDTV ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा कि उन्होंने 2 स्टार रेटिंग दिया और कहा बॉक्स ऑफिस पे कमाई के बावजूद इस फिल्म में पेश करने के लिए कुछ भी नया नहीं है। फास्ट पोस्ट के मिहिर कडन विशन ने कहा फिल्म एक मोह वीडियो प्रोजेक्ट की तरह दिखता है जो यहाँ पे महसूस होती है, जो पूरे ब्रह्मांड में 2 लोग पर फराह और शाहरुख खान द्वारा प्रशंसा के लिए बनाई गई थी। जहाँ पे बता दें ओशंस 11 और यहाँ पे बबून धारा फिर से लिखी गई थी। यहाँ पे दोस्तों प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वर्ष ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिया, जहाँ पे मौलिकता पर लेते हुए कहा था कि मौलिकता क्या है, हैप्पी न्यू ईयर, ये हैप्पी न्यू ईयर फिल्म जो है फराह खान की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक मूवी है, 2014 में रिलीज हुई। इसके बाद दोस्तों रॉयटर्स की शिल्पा जामखंडीकरण ने कहा था फिल्म ने उदारतापूर्वक जो है हॉलीवुड की हिस्ट जो है फिल्मों से उधार लिया है, जो विशेष रूप से स्टीवन इसके अलावा सोडबर्ग की ओशन के साथ 11 से पहले छमाई हल्की और कई बार जो है वास्तव में मजा किया है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे दूसरी छमाई बढ़ती जाती है कार्यवाही निरस्त हो जाती है इस फिल्म की। इसके बाद दोस्तों हॉलीवुड रिपोर्टर्स की लिसा तसेरिंग ने फिल्म को रिव्यू करते हुए समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि ये फिल्म एक महत्वाकांक्षी संगीत में और एक प्रेम कहानी और एक महासागर की फिल्म है जो 11 शैली की अपराध शरारत के रूप में है। डॉन ने यहाँ पे कहा था कि सामी जो है कहर ने फिल्म को 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार दिया और कहा फिल्म ओशंस यानी कि 11 प्लस जो है इटालियन के साथ जॉब प्लस स्टेप अप के ऑल इन वन के लिए ऑल इन वन सस्ते जो है आकार बिगड़ते एक्सटीरियर दिखाए गए हैं फिल्म के अंदर। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फिल्म की ही स्टोरी के बारे में। दोस्तों फिल्म में सबसे पहले देखने को मिलता है चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है और दोस्तों दिखाया गया है जो 8 साल से पर्से सुरक्षा आपूर्तिकर्ता और साली मार्जुए सिक्योरिटीज के मालिक चरण ग्रोवर से बदला लेने के लिए तड़प रहे हैं। गुरुवार ने चार्ली के पिता मनोहर शर्मा को गलत तरीके से एक चोर के रूप में गिरफ्तार किया था, क्योंकि गुरुवार ने मनोहर को $15 मिलियन के अपने हीरो को चुराने के लिए उकसाया था। यहां पे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 300 करोड़ रुपए यानी कि $39.48 मिलियन के हीरे यानी कि अटल लोटस होटल दुबई पहुँचेंगे ये खबर मिली। चार्ली जो है हीरे चुराना और ग्रोवर को फ्रेम करना चाहता है, इसे पूरा करने के लिए वह एक टीम बनाता है। पूर्व कप्तान जो है जगमोहन जगप्रकाश सुनने में कठोर व्यक्तित्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तेहमत यानी कि टेमिलो और टेमी ईरानी एक बूढ़ा और जब्ती जो है परवाना सुरक्षा कर्मी मोहन का सबसे अच्छा दोस्त था। रोहन सिंह एक युवा बुद्धिमान हैकर है जो कि जग का भतीजा है और यहाँ पे चरण के बेटे विक्की गुरुवार के हम जगल नंदू भी इसमें शामिल है। अब दोस्तों चार्ली ने टीम को समझाया कि होटल में कमरा 9 से जो है तिजोरी से जुड़ा है, जो एक डॉक्ट सिस्टम के माध्यम से हीरे रखा गया है। हालांकि कमरा 9 से वर्ल्ड डांसवे चैंपियनशिप जिसकी वजह से WDC में भाग लेने वाली टीमों के लिए जो है यहाँ पे आरक्षित है। समूह ने तुरंत जो है WDC में शामिल होने से इनकार कर दिया और ये जो है इंगित करते हुए कि उनमें से कोई भी जो है नर्तक नहीं था, लेकिन चार्ली ने समूह को फिर से प्रेरित किया और उन्हें एक नृत्य टीम बनाने के लिए फिर से जो है बात किया। इसके बाद दोस्तों देखने को मिलता है कि एक फ्लैशबैक से ये पता चलता है कि चरण ग्रोवर ने मनोहर से मुलाकात की और उन्हें एक अभेद तिजोरी शामिल करने के लिए और बनाने का ठेका दिया। तिजोरी पूरी होने के बाद चरण ने मनोहर को यहाँ पे नशीला पदार्थ पिलाया और अपनी जो उंगलियों के निशान का इस्तेमाल करके हीरे चुराने के लिए राजी कर लिया। यहाँ पे दोस्तों समूह बिना किसी लाभ के नृत्य प्रशिक्षक को यहाँ पे नियुक्त करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हताशा में नंदू चार्ली को एक मराठी बार जो है डांसर मोहिनी से मिलवाया जाता है, जो चार्ली के अंग्रेजी उच्चारण से प्रभावित होती है और वह अंत तक उनके इरादों से अनजान है, क्योंकि उन्हें नृत्य सीखने में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। चार्ली और मोहिनी बहुत करीब आ जाते हैं इस बीच। अब दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है कि वह पहले के दौर में
यानी कि अर्हता प्राप्त करने का प्रबंध करते हैं और अंत तक हैकिंग के माध्यम से वोट प्राप्त करके WDC में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने की प्रतियोगिता जीतते हैं। इसके बाद दोस्तों कई दर्शक जो है उनके कौशल की कमी के लिए उनका जो है तिरस्कार करते हैं, लेकिन चार्ली और उनकी टीम मोहिनी के बिना सभी जो है केवल यानी कि डकैती से चिंतित है। दुबई में टीम जो है कोरिया विशेष रूप से टीम इंडिया के प्रति शत्रुतापूर्ण है, जिसमें उनके प्रयोग उनमें प्रयोजक जो है गुरुआ भी शामिल है। इसकी वजह से सेमीफाइनल में चार्ली एक कोरियाई टीम के सदस्य को एक डांस स्टंट के दौरान गंभीर चोट से बचाता है, दर्शकों से तुरंत जो है सम्मान प्राप्त करता है और प्रशंसा प्राप्त करता है। योजना पर जाने के बाद सब कुछ जो है तैयार है, यहाँ पे दुर्भाग्य से टीम को पता चलता है कि हीरे जो है क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या पर पहुंचेंगे, जो डकैती को रोका जाता है, जिसकी वजह से सौभाग्य से चार्ली की कार्रवाई से न्यायाधीश के प्रभावित होने के बाद जो है भारत फाइनल में पहुंच गया। एक दिन डकैती के बारे में सुनकर मोहिनी खत्म हो जाती है और जाने के लिए मुड़ जाती है। चार्ली उसे सब कुछ बताता है और बताता है कि मनोहर वास्तव में मर चुका है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मुकदमे की अपील की, लेकिन दोस्तों गुरुवार ने मनोहर के वकीलों को रिश्वत दी और सबूतों के साथ छेड़छाड़ी की। मनोहर ने पूरी उम्मीद खोते हुए अपनी कलाई काट ली थी। इसकी वजह से हालांकि इससे मनोहर का बदला लेने के लिए टीम का दृढ़ संकल्प बढ़ जाता है और वह एक खास से पल साझा करते हैं और जहां पे मोहिनी उनकी मदद करने के लिए फिर तैयार हो जाती है। अंतिम दौर के रात दोस्तों यहां पे डकैती शुरू होती है, लेकिन मोहिनी विक्की को लिफ्ट में यहां पे फुसलाती है। फुसलाने के बाद वहां पे उसे जो है खटखटाया जाता है और उसका अंगूठा जग धारा लिया गया है और यहां पे नंदू धारा उपयोग किया जाता है अंगूठा को, जो कक्ष जो है यानी कि खोलता है और यहीं पे टैमी जो है सफलतापूर्वक तिजोरी खोल लेता है। हालांकि दोस्तों चार्ली और यहीं पे टैमी को एक और जो है ग्लास से तिजोरी मिलती है, जिसमें जो है हीरे रखे गए हैं। इसे मनोहर ने बनाया था और इसमें जो है 7 अक्षर का पासवर्ड था। चार्ली ने तिजोरी खोली और ये महसूस करते हुए कि तिजोरी खोलने का पासवर्ड उसका अपना नाम था। हीरे चुराने के बाद टीम नाव पर चढ़ जाता है, लेकिन मोहिनी आने से मना कर देती है और वह बताती है कि जीवन में सबसे जरूरी चीज है सम्मान। पूरा भारत उनका समर्थन कर रहा था और वह भारत का सम्मान खोने नहीं दे रही थी। रोहन भी उसका साथ देता है, जिससे बाकी सदस्यों के बीच जो है लड़ाई हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जब टीम इंडिया जो है गायब पाई जाती है, तो गुरुवार का दावा है कि चोर वही है। मोहिनी मंच पर आती है इस बीच और कुछ जो है मिनटों के लिए अकेले ही परफॉर्म करती है। इसके तुरंत बाद टीम के अन्य सदस्य चौंकाने वाले गुरुवार दिखाई देते हैं। चार्ली अंत में प्रकट होता है और टीम जो है प्रतियोगिता जीत जाती है। चरण और यहीं पे विक्की जो है गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। चार्ली ने खुद को चरण के सामने प्रकट किया और उसकी जो है जेब में रख दिया था हीरा। उसी रेजर के साथ जो है ब्लेड से मनोहर ने उसकी कलाई काट दी थी और वह यहाँ पे देखता है कि पुलिस उसे ले जाती है। इसके बाद दोस्तों उसका बदला पूरा हो गया और टीम इंडिया जो है एयरपोर्ट पहुंच गई है। चार्ली अपने शीतल जो है पे में हीरो को छलनी कर लेती है, लेकिन सुरक्षा गार्ड इसे नष्ट कर देते हैं, जिससे जो है टीम तबाह हो जाती है। हालांकि बाद में उड़ान के दौरान चार्ली ने खुलासा किया था कि उसने जो है नकली हीरो को असली के साथ ट्रॉफी पर बदल दिया था और टीम जो है भारत पहुंच जाती है। क्रेडिट के बाद के दृश्यों में नंदू को विजेताओं का चेक दिखाने के लिए बैंक से बाहर निकाल दिया जाता है। रोहन अंत में लड़कियों के बीच अपार के साथ लोकप्रियता हासिल करता है, जबकि दोस्तों यहाँ पे जग पहले बनाई जाती है। फिल्म का निर्देशक जो है करते हैं, जिसमें मूल निर्देशक बम नियंत्रक जो है होता है, जो जग ने पहले किया था। टैमी के पास अब कई जो है बुजुर्ग महिलाएं अपने नायक के रूप में उसका पीछा कर रही है। लंबी साजा पाने के बाद चरण और विक्की गुरुवार अब दुबई शहर की जेल में अपनी बेगुनाही की गुहार लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन मोहिनी अपना खुद का जो है डांस स्कूल खोल लेती है उन पैसों से और चार्ली एक हीरे से बने अंगूठी के साथ उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। फिल्म इसी के साथ समाप्त हो जाती है। तो फैंस आपको इस फिल्म में ये कहानी देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप लोग हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को यूरोप पर देखना चाहते हो तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। फैंस ये फिल्म आपको अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। फैंस वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फैंस इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को, जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। तो फैंस ये फिल्म कौन से आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी वीडियो में हम दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा।
था। अब दोस्तों फिल्म के प्रचार के लिए कलाकारों के हस्तलेखन में लिखे गए डिजिटल रूप से यहीं पे व्यक्तिगत जो है पोस्टर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराए गए थे। अभिनेता शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, बोमन ईरानी, सोनू सूद और विवान शाह की टीम अपनी फिल्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध भारतीय टेलीविजन शो तारक मेहता उल्टा चश्मा पर गए थे। इसके बाद दोस्तों रैपर यो हनी सिंह और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म के कलाकारों और क्रू ने इस लैम जो शीर्षक से एक प्रमोशनल टूर पाया था। यहां पे आपको बता दें ह्यूस्टन ने 19 सितंबर से शुरू होकर ये न्यू जर्सी जो है वंशिगन, टोरंटो और शिकागो में इस फिल्म के लिए प्रचार किए गए थे। फाइनली दोस्तों 13 अक्टूबर 2014 को एंड्रॉइड और आईओएस के लिए हैप्पी न्यू ईयर द गेम नामक जो फिल्म पर आधारित एक आधिकारिक जो है गेम जारी किया गया था। इसके बाद दोस्तों इसे प्रोडक्शन कंपनी और गेम शस्त्र इंडिया एक भारतीय खेल कला और इसके अलावा आउट सोर्सिंग स्टूडियो के सहयोग से बनाया था। यशराज फिल्म को दुनिया भर में वितरण अधिकार 1.25 बिलियन यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 20 मिलियन यूएसए डॉलर में इसको बेचे गए थे। अधिकार सेटेलाइट अधिकार के बारे में हम बात करें तो जी नेटवर्क को बेचा गया था 650 मिलियन में। जी हाँ फैंस, और दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये बॉलीवुड की फिल्म थी। 2014 में दुनिया भर में 394 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था इस फिल्म ने। और दोस्तों इन पैसों को अगर हम यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 64 मिलियन से अधिक ही कमाई किया था डॉलर में, जो इसे अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनाती है। इसमें दोस्तों फिल्म के बारे में रिपोर्ट किया गया है, हैप्पी न्यू ईयर ने 44.97 करोड़ का संग्रह करके एक रिकॉर्ड बनाया था और ये एक ही दिन में आखिरी तक इतना पहुंच गया था, जो ये फिल्म पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई जहां पे आमिर खान, अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ और फातिमा सनत से अभिनीत की गई 2018 की दिवाली रिलीज जो है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान धारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था इस फिल्म ने, जिसने पहले दिन जो है 52 करोड़ का संग्रह किया था, जो वर्तमान में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए दूसरा सबसे बड़ा कमाई करने वाला फिल्म है। और ये रिकॉर्ड युद्ध धारा तोड़ दिया गया, इसने जो है संग्रह किया था 53 करोड़ से अधिक। फिल्म ने शनिवार को 285 मिलियन नेट कमाई किया था, जिसकी वजह से फिल्म में थोड़ा सा गिरावट देखा गया था रविवार को। कुल मिलाकर दोस्तों फिल्म ने 394 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर लिया था 2014 में, और ये कमाई बहुत ज्यादा होता है किसी हिंदी फिल्म के लिए। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फिल्म की ओवरसीज कलेक्शन के बारे में। दोस्तों फिल्म ने विदेशों में अपने थिएटर रन के अंत में फिल्म ने विदेशी बाजार में 16 करोड़ रुपए से 16 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई किया था, जो हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 102 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था इसने ओवरसीज में। दोस्तों फिल्म 12 फरवरी 2015 को चीन में रिलीज हुई थी और चीन में 3 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। और दोस्तों फिल्म को भारत और विदेशों में समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं देखने को मिली, इसकी वजह से फॉरेन समीक्षकों के आधार पर रोटन टोमेटोज पर इसकी 57 रेटिंग देखा गया है, जबकि मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन और हास्य सामग्री को प्रशंसा मिली थी। चरित्र विकास की कमी हुई थी ये भी बताया गया था और अनौपचारिक जो है कथानक को आलोचना भी मिला था। CNN IBN के राजीव मंसद ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा है कि टिप्पणी की हैप्पी न्यू ईयर देखते समय आप बारी बारी से खुद को जो है हंसते और रोते हुए पाएंगे। इसमें निर्देशक जो है फराह खान कुशलता से एक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता परिदृश्य के खिलाफ एक चोरी की साजिश रचती है, और ये एक है जहाँ पे जिज्ञासु आधार और फरहा जो है कई सम्मान के साथ तत्वों को लाती है फिल्म में, जो उसने मैं हूं ना फिल्म और ओम शांति ओम में अच्छे उपयोग के लिए लागू किया था, जहाँ पे 70 के दशक के लिए बहुत सारे आत्मा संदर्भित किए गए थे फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म को रिव्यू करते हुए बॉलीवुड और कभी जो है कभार खुद पर हंसने की क्षमता भी बताया गया। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा ये फिल्म उन्मत्त जो है शोरगुल के साथ भड़कीला और मोटे तौर पर जो आनंदहीन है। फरहा चोरी की पारंपरिक जो है फिल्म का ढांचा तो लेती है और प्रतिशोध जो है मेलोड्रामा, कॉमेडी और रोमांस जो है अनगिनत इसमें देखने को मिलते हैं। फिल्म में नृत्य काफी अच्छे हैं और चरमोत्कर्ष के रूप में देशभक्ति की खुराक इसमें रखा गया है। इंडियन एक्सप्रेस के सौरभ गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और इसे मेरा भारत महान भावनाओं वाली फिल्म बताया, और एक महासागर के वजह से 11 से लेकर 12 और फ्लैश इसका जो फ्लैश डॉन्स के बीच एक क्रॉस बताया गया था। जो रेडिफ ने फिल्म को रिव्यू किया और इन्होंने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा ये फिल्म शुरू से ही नकल की तरह चलती है, जहां एक विशाल जो है लड़क जहां कुछ भी गंभीरता से नहीं लिया जाता है फिल्म में।
इसके बाद दोस्तों फिल्म को NDTV ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा कि उन्होंने 2 स्टार रेटिंग दिया और कहा बॉक्स ऑफिस पे कमाई के बावजूद इस फिल्म में पेश करने के लिए कुछ भी नया नहीं है। फास्ट पोस्ट के मिहिर कडन विशन ने कहा फिल्म एक मोह वीडियो प्रोजेक्ट की तरह दिखता है जो यहाँ पे महसूस होती है, जो पूरे ब्रह्मांड में 2 लोग पर फरहा और शाहरुख खान द्वारा प्रशंसा के लिए बनाई गई थी। यहाँ पे बता दे ओशंस 11 और यहाँ पे बबून थारा फिर से लिखी गई थी। यहाँ पे दोस्तों प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वर्ष ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिया, जहाँ पे मौलिकता पर लेते हुए कहा था कि मौलिकता क्या है, हैप्पी न्यू ईयर, ये हैप्पी न्यू ईयर फिल्म जो है फरहा खान की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक मूवी है, 2014 में रिलीज हुई। इसके बाद दोस्तों रॉयटर्स की शिल्पा जामखंडीकरन ने कहा था फिल्म ने उदारता पूर्वक जो है हॉलीवुड की हिस्ट जो है फिल्मों से उधार लिया है, जो विशेष रूप से स्टीवन इसके अलावा सोडबर्ग की ओशन के साथ 11 से पहले छमाई हल्की और कई बार जो है वास्तव में मजाकिया है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे दूसरी छमाई बढ़ती जाती है कार्यवाही निरस्त हो जाती है इस फिल्म की। इसके बाद दोस्तों हॉलीवुड रिपोर्टर्स की लिसा तसेरिंग ने फिल्म को रिव्यू करते हुए समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि ये फिल्म एक महत्वाकांक्षी संगीतमय और एक प्रेम कहानी और एक महासागर की फिल्म है जो 11 शैली की अपराध शरारत के रूप में है। डॉन ने यहाँ पे कहा था कि सामी जो है कहर ने फिल्म को 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार दिया और कहा फिल्म ओशंस यानी कि 11+ जो है इटालियन के साथ जॉब प्लस स्टेप अप के ऑल इन वन के लिए ऑल इन वन सस्ते जो है आकार बिगड़ते एक्सटीरियर दिखाए गए हैं फिल्म के अंदर। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फिल्म की हिस्टोरी के बारे में। दोस्तों फिल्म में सबसे पहले देखने को मिलता है चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है और दोस्तों दिखाया गया है जो 8 साल से पर्सी सुरक्षा आपूर्ति करता और साली मार्जुए सिक्योरिटीज के मालिक चरण ग्रोवर से बदला लेने के लिए तड़प रहे हैं। गुरुवार ने चार्ली के पिता मनोहर शर्मा को गलत तरीके से एक चोर के रूप में गिरफ्तार किया था क्योंकि गुरुवार ने मनोहर को $15 मिलियन के अपने हीरो को चुराने के लिए उकसाया था। यहां पे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 300 करोड़ रुपए यानी कि $39.48 मिलियन के हीरे यानी कि अटोलोटिस होटल दुबई पहुँचेंगे ये खबर मिली। चार्ली जो है हीरे चुराना और ग्रोवर को फ्रेम करना चाहता है, इसे पूरा करने के लिए वह एक टीम बनाता है। पूर्व कप्तान जो है जगमोहन जगप्रकाश सुनने में कठोर व्यक्तित्व होते हैं क्योंकि यहाँ पे टेहमत यानी कि टेमिलो और टेमी ईरानी एक बूढ़ा और जब्ती जो है परवाना सुरक्षा कर्मी मोहन का सबसे अच्छा दोस्त था। रोहन सिंह एक युवा बुद्धिमान हैकर है जो कि जग का भतीजा है और यहाँ पे चरण के बेटे विक्की गुरुवार के हमशक्ल नंदू भी इसमें शामिल है। अब दोस्तों चार्ली ने टीम को समझाया कि होटल में कमरा 9C जो है तिजोरी से जुड़ा है जो एक डॉक्ट सिस्टम के माध्यम से हीरे रखा गया है। हालांकि कमरा 9C वर्ल्ड डांसवे चैंपियनशिप जिसकी वजह से WDC में भाग लेने वाली टीमों के लिए जो है यहाँ पे आरक्षित है। समूह ने तुरंत जो है WDC में शामिल होने से इनकार कर दिया और ये जो है इंगित करते हुए कि उनमें से कोई भी जो है नर्तक नहीं था, लेकिन चार्ली ने समूह को फिर से प्रेरित किया और उन्हें एक नृत्य टीम बनाने के लिए फिर से जो है बात किया। इसके बाद दोस्तों देखने को मिलता है कि एक फ्लैशबैक से ये पता चलता है कि चरण गुरुवार ने मनोहर से मुलाकात की और उन्हें एक अभेद तिजोरी शामिल करने के लिए और बनाने का ठेका दिया। तिजोरी पूरी होने के बाद चरण ने मनोहर को यहाँ पे नशीला पदार्थ पिलाया और अपनी जो उंगलियों के निशान का इस्तेमाल करके हीरे चुराने के लिए राजी कर लिया। यहाँ पे दोस्तों समूह बिना किसी लाभ के नृत्य प्रशिक्षक को यहाँ पे नियुक्त करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हताशा में नंदू चार्ली को एक मराठी बार जो है डांसर मोहिनी से मिलवाया जाता है जो चार्ली के अंग्रेजी उच्चारण से प्रभावित होती है और वह अंत तक उनके इरादों से अनजान है क्योंकि उन्हें नृत्य सीखने में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। चार्ली और मोहिनी बहुत करीब आ जाते हैं इस बीच। अब दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है कि वो पहले के दौर में यानी कि आहारता प्राप्त करने का प्रबंध करते हैं और अंत तक हैकिंग के माध्यम से वोट प्राप्त करके WDC में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने की प्रतियोगिता जीतते हैं। इसके बाद दोस्तों कई दर्शक जो है उनके कौशल की कमी के लिए उनका जो है तिरस्कार करते हैं, लेकिन चार्ली और उनकी टीम मोहिनी के बिना सभी जो है केवल यानी कि डकैती से चिंतित है। दुबई में टीम जो है कोरिया विशेष रूप से टीम इंडिया के प्रति शत्रुतापूर्ण है
जिसमें उनके प्रयोग उनमें प्रयोजक जो है गुरुवार भी शामिल है। इसकी वजह से सेमीफाइनल में चार्ली एक कोरियाई टीम के सदस्य को एक डांस स्टंट के दौरान गंभीर चोट से बचाता है। दर्शकों से तुरंत जो है सम्मान प्राप्त करता है और प्रशंसा प्राप्त करता है। योजना पर जाने के बाद सब कुछ जो है तैयार है। यहाँ पे दुर्भाग्य से टीम को पता चलता है कि हीरे जो है क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या पर पहुंचेंगे, जो डकैती को रोका जाता है, जिसकी वजह से सौभाग्य से चार्ली की कार्रवाई से न्यायाधीश के प्रभावित होने के बाद जो है भारत फाइनल में पहुंच गया। एक दिन डकैती के बारे में सुनकर मोहिनी खत्म हो जाती है और जाने के लिए मुड़ जाती है। चार्ली उसे सब कुछ बताता है और बताता है कि मनोहर वास्तव में मर चुका है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मुकदमे की अपील की, लेकिन दोस्तों गुरुवार ने मनोहर के वकीलों को रिश्वत दी और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। मनोहर ने पूरी उम्मीद खोते हुए अपनी कलाई काट ली थी। इसकी वजह से हालांकि इससे मनोहर का बदला लेने के लिए टीम का दृढ़ जो संकल्प बढ़ जाता है और वह एक खास से पल साझा करते हैं और जहां पे मोहिनी उनकी मदद करने के लिए फिर तैयार हो जाती है। अंतिम दौर के रात दोस्तों यहां पे डकैती शुरू होती है, लेकिन मोहिनी विक्की को लिफ्ट में यहाँ पे फुसलाती है। फुसलाने के बाद वहाँ पे उसे जो है खटखटाया जाता है और उसका अंगूठा जग धारा लिया गया है और यहाँ पे नंदू द्वारा उपयोग किया जाता है अंगूठा को, जो कक्ष जो है यानी कि खोलता है और यहीं पे टैमी जो है सफलतापूर्वक तिजोरी खोल लेता है। हालांकि दोस्तों चार्ली और यहीं पे टैमी को एक और जो है ग्लास से तिजोरी मिलती है जिसमें जो है हीरे रखे गए हैं। इसे मनोहर ने बनाया था और इसमें जो है 7 अक्षर का पासवर्ड था। चार्ली ने तिजोरी खोली और ये महसूस करते हुए कि तिजोरी खोलने का पासवर्ड उसका अपना नाम था। हीरे चुराने के बाद टीम नाव पर चढ़ जाता है, लेकिन मोहिनी आने से मना कर देती है और वह बताती है कि जीवन में सबसे जरूरी चीज है सम्मान। पूरा भारत उनका समर्थन कर रहा था और वह भारत का सम्मान खोने नहीं दे रही थी। रोहन भी उसका साथ देता है, जिससे बाकी सदस्यों के बीच जो है लड़ाई हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जब टीम इंडिया जो है गायब पाई जाती है तो गुरुवार का दावा है कि चोर वही है। मोहिनी मंच पर आती है इस बीच और कुछ जो है मिनटों के लिए अकेले ही परफॉर्म करती है। इसके तुरंत बाद टीम के अन्य सदस्य चौंकाने वाले गुरुवार दिखाई देते हैं। चार्ली अंत में प्रकट होता है और टीम जो है प्रतियोगिता जीत जाती है। चरण और यहीं पे विक्की जो है गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। चार्ली ने खुद को चरण के सामने प्रकट किया और उसकी जो है जेब में रख दिया था हीरा। उसी रेजर के साथ जो है ब्लेड से मनोहर ने उसकी कलाई काट दी थी और वह यहाँ पे देखता है कि पुलिस उसे ले जाती है। इसके बाद दोस्तों उसका बदला पूरा हो गया और टीम इंडिया जो है एयरपोर्ट पहुंच गई है। चार्ली अपने शीतल जो है पेय में हीरो को छलनी कर लेती है, लेकिन सुरक्षा गार्ड इसे नष्ट कर देते हैं, जिससे जो है टीम तबाह हो जाती है। हालांकि बाद में उड़ान के दौरान चार्ली ने खुलासा किया था कि उसने जो है नकली हीरो को असली के साथ ट्रॉफी पर बदल दिया था और टीम जो है भारत पहुंच जाती है। क्रेडिट के बाद के दृश्यों में नंदू को विजेताओं का चेक दिखाने के लिए बैंक से बाहर निकाल दिया जाता है। रोहन अंत में लड़कियों के बीच अपार के साथ जो लोकप्रियता हासिल करता है, जबकि दोस्तों यहाँ पे जग पहले बनाई जाती है। फिल्म का निर्देशक जो है करते हैं, जिसमें मूल निर्देशक बम नियंत्रक जो है होता है, जो जग ने पहले किया था। टैमी के पास अब कई जो है बुजुर्ग महिलाएं अपने नायक के रूप में उसका पीछा कर रही है। लंबी साझा पाने के बाद चरण और विक्की गुरुवार अब दुबई शहर की जेल में अपनी बेगुनाही की गुहार लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन मोहिनी अपना खुद का जो है डांस स्कूल खोल लेती है उन पैसों से। और चार्ली एक हीरे से बने अंगूठी के साथ उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। फिल्म इसी के साथ समाप्त हो जाती है। तो फैंस आपको इस फिल्म में ये कहानी देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप लोग हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। फैंस ये फिल्म आपको अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। फैंस वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फैंस इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को, जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। तो फैंस ये फिल्म कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं। तो फैंस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब दोस्तों फिल्म के प्रचार के लिए कलाकारों के हस्तलेखन में लिखे गए डिजिटल रूप से यहीं पे व्यक्तिगत जो है पोस्टर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराए गए थे। अभिनेता शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, बोमन ईरानी, सोनू सूद और विवान शाह की टीम अपनी फिल्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध भारतीय टेलीविजन शो तारक मेहता उल्टा चश्मा पर गए थे। इसके बाद दोस्तों रैपर योयो हनी सिंह और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म के कलाकारों और क्रू ने इस लैम जो है शीर्षक से
एक प्रमोशनल टूर पाया था। यहाँ पे आपको बता दें, ह्यूस्टन ने 19 सितंबर से शुरू होकर ये न्यू जर्सी जो है वॉशिंगटन, टोरंटो और शिकागो में इस फिल्म के लिए प्रचार किए गए थे। फाइनली दोस्तों 13 अक्टूबर 2014 को एंड्रॉयड और आईओएस के लिए हैप्पी न्यू ईयर द गेम नामक जो है फिल्म पर आधारित एक आधिकारिक जो है गेम जारी किया गया था। इसके बाद दोस्तों इसे प्रोडक्शन कंपनी और गेम शस्त्र इंडिया, एक भारतीय खेल कला और इसके अलावा आउट सोर्सिंग स्टूडियो के सहयोग से बनाया था। यशराज फिल्म को दुनिया भर में वितरण अधिकार 1.25 बिलियन यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 20 मिलियन यूएसए डॉलर में इसको बेचे गए थे अधिकार। सेटेलाइट अधिकार के बारे में हम बात करें तो जी नेटवर्क को बेचा गया था 650 मिलियन में। जी हाँ फैंस, और दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये बॉलीवुड की फिल्म थी 2014 में। दुनिया भर में 394 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था इस फिल्म ने। और दोस्तों इन पैसों को अगर हम यूएसए में कन्वर्ट करते हैं तो 64 मिलियन से अधिक ही कमाई किया था डॉलर में, जो इसे अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनाती है। इस साथ दोस्तों फिल्म के बारे में रिपोर्ट किया गया है, हैप्पी न्यू ईयर ने 44.97 करोड़ का संग्रह करके एक रिकॉर्ड बनाया था और ये एक ही दिन में आखिरी तक इतना पहुंच गया था, जो ये फिल्म पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई जहां पे आमिर खान, अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ और फातिमा सनत से अभिनीत की गई 2018 की दिवाली रिलीज जो है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान धारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था इस फिल्म ने, जिसने पहले दिन जो है 52 करोड़ का संग्रह किया था, जो वर्तमान में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए दूसरा सबसे बड़ा कमाई करने वाला फिल्म है। और ये रिकॉर्ड युद्ध धारा तोड़ दिया गया, जिसने जो है संग्रह किया था 53 करोड़ से अधिक। फिल्म ने शनिवार को 285 मिलियन नेट कमाई किया था, जिसकी वजह से फिल्म में थोड़ा सा गिरावट देखा गया था रविवार को। कुल मिलाकर दोस्तों फिल्म ने 394 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर लिया था 2014 में, और ये कमाई बहुत ज्यादा होता है किसी हिंदी फिल्म के लिए। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की ओवरसीज कलेक्शन के बारे में। दोस्तों फिल्म ने विदेशों में अपने थिएटर रन के अंत में फिल्म ने विदेशी बाजार में 16 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई किया था, जो हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 102 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था इसने ओवरसीज में। दोस्तों फिल्म 12 फरवरी 2015 को चीन में रिलीज हुई थी और चीन में 3 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। और दोस्तों फिल्म को भारत और विदेशों में समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं देखने को मिली। इसकी वजह से फॉरेन समीक्षकों के आधार पर रोटन टमाटोज पर इसकी 57 रेटिंग देखा गया है, जबकि मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन और हास्य सामग्री को प्रशंसा मिली थी। चरित्र विकास की कमी हुई थी ये भी बताया गया था, और अनौपचारिक जो है कथानक को आलोचना भी मिला था। CNN IBN के राजीव मंसद ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा है कि टिप्पणी की हैप्पी न्यू ईयर देखते समय आप बारी बारी से खुद को जो है हंसते और रोते हुए पाएंगे। इसमें निर्देशक जो है फराह खान कुशलता से एक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता परिदृश्य के खिलाफ एक चोरी की साजिश रचती है, और ये एक है जहाँ पे जिज्ञासु आधार और फराह जो है कई सम्मान के साथ तत्वों को लाती है फिल्म में, जो उसने मैं हूं ना फिल्म और ओम शांति ओम में अच्छे उपयोग के लिए लागू किया था, जहाँ पे 1870 के दशक के लिए बहुत सारे आत्मा संदर्भित किए गए थे फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म को रिव्यू करते हुए बॉलीवुड और कभी जो है कभार खुद पर हंसने की क्षमता भी बताया गया। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, ये फिल्म उन्मत्त जो है शोरगुल के साथ भड़कीला और मोटे तौर पर जो आनंदहीन है। फरहा चोरी की पारंपरिक जो है फिल्म का ढांचा तो लेती है, और प्रतिशोध जो है मेलोड्रामा, कॉमेडी और रोमांस जो है अनगिनत इसमें देखने को मिलते हैं। फिल्म में नृत्य काफी अच्छे हैं और चर्मोत्कर्ष के रूप में देशभक्ति की खुराक इसमें रखा गया है। इंडियन एक्सप्रेस के सौरभ गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और इसे मेरा भारत महान भावनाओं वाली फिल्म बताया, और एक महासागर के वजह से 11 से लेकर 12 और फ्लैश इसके अलावा जो फ्लैश डॉन्स के बीच एक क्रॉस बताया गया था। जो रेडिफ ने फिल्म को रिव्यू किया और इन्होंने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, यह फिल्म शुरू से ही नकल की तरह चलती है, जहां एक विशाल जो है लड़क जहां कुछ भी गंभीरता से नहीं लिया जाता है फिल्म में। इसके बाद दोस्तों फिल्म को NDTV ने भी फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा कि उन्होंने 2 स्टार रेटिंग दिया और कहा, बॉक्स ऑफिस पे कमाई के बावजूद इस फिल्म में पेश करने के लिए कुछ भी नया नहीं है। फास्ट पोस्ट के मिहिर कडन विशन ने कहा, फिल्म एक मोह वीडियो प्रोजेक्ट की तरह दिखता है जो यहाँ पे महसूस होती है, जो पूरे ब्रह्मांड में 2 लोग पर फरहा और शाहरुख खान द्वारा प्रशंसा के लिए बनाई गई थी। जहाँ पे बता दे ओशंस 11 और यहाँ पे बबून धारा फिर से लिखी गई थी। यहाँ पे दोस्तों प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वर्ष ने फिल्म को
5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिया, जहाँ पे मौलिकता पर लेते हुए कहा था कि मौलिकता क्या है, हैप्पी न्यू ईयर। ये हैप्पी न्यू ईयर फिल्म जो है फराह खान की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक मूवी है, 2014 में रिलीज हुई। इसके बाद दोस्तों रॉयटर्स की शिल्पा जामखंडीकरण ने कहा था फिल्म ने उदारतापूर्वक जो है हॉलीवुड की हिस्ट जो है फिल्मों से उधार लिया है, जो विशेष रूप से स्टीवन इसके अलावा शोर्ड वर्ग की ओशन के साथ 11 से पहले छमाई हल्की और कई बार जो है वास्तव में मजा किया है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे दूसरी छमाई बढ़ती जाती है कार्यवाही निरस हो जाती है इस फिल्म की। इसके बाद दोस्तों हॉलीवुड रिपोर्टर्स की लिसा तसेरिंग ने फिल्म को रिव्यू करते हुए समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि ये फिल्म एक महत्वाकांक्षी संगीतमय और एक प्रेम कहानी और एक महासागर की फिल्म है जो 11 शैली की अपराध शरारत के रूप में है। डॉन ने यहाँ पे कहा था कि सामी जो है कहर ने फिल्म को 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार दिया और कहा फिल्म ओशंस यानी कि 11 प्लस जो है इटालियन के साथ जॉब प्लस स्टेप अप के ऑल इन वन के लिए ऑल इन वन सस्ते जो है आकार बिगड़ते एक्सटीरियर दिखाए गए हैं फिल्म के अंदर। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फिल्म की हिस्टोरी के बारे में। दोस्तों फिल्म में सबसे पहले देखने को मिलता है चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है और दोस्तों दिखाया गया है जो 8 साल से पर्स सुरक्षा आपूर्तिकर्ता और साली मार्जुए सिक्योरिटीज के मालिक चरण ग्रोवर से बदला लेने के लिए तड़प रहे हैं। गुरुवार ने चार्ली के पिता मनोहर शर्मा को गलत तरीके से एक चोर के रूप में गिरफ्तार किया था क्योंकि गुरुवार ने मनोहर को $15 मिलियन के अपने हीरो को चुराने के लिए उकसाया था। यहां पे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 300 करोड़ रुपए यानी कि $39.48 मिलियन के हीरे यानी कि अटल लोटिस होटल दुबई पहुँचेंगे ये खबर मिली। चार्ली जो है हीरे चुराना और ग्रोवर को फ्रेम करना चाहता है, इसे पूरा करने के लिए वह एक टीम बनाता है। पूर्व कप्तान जो है जगमोहन जगप्रकाश सुनने में कठोर व्यक्तित्व होते हैं क्योंकि यहाँ पे टेहमत यानी कि टेमिलो और टेमी ईरानी एक बूढ़ा और जब्ती जो है परवाना सुरक्षा कर्मी मोहन का सबसे अच्छा दोस्त था। रोहन सिंह एक युवा बुद्धिमान हैकर है जो कि जग का भतीजा है और यहाँ पे चरण के बेटे विक्की गुरुवार के हम जगल नंदू भी इसमें शामिल है। अब दोस्तों चार्ली ने टीम को समझाया कि होटल में कमरा 9 से जो है तिजोरी से जुड़ा है जो एक डॉक्ट सिस्टम के माध्यम से हीरे रखा गया है। हालांकि कमरा 9 से वर्ल्ड डांसवे चैंपियनशिप जिसकी वजह से WDC में भाग लेने वाली टीमों के लिए जो है यहाँ पे आरक्षित है। समूह ने तुरंत जो है WDC में शामिल होने से इनकार कर दिया और ये जो है इंगित करते हुए कि उनमें से कोई भी जो है नर्तक नहीं था, लेकिन चार्ली ने समूह को फिर से प्रेरित किया और उन्हें एक नृत्य टीम बनाने के लिए फिर से जो है बात किया। इसके बाद दोस्तों देखने को मिलता है कि एक फ्लैशबैक से ये पता चलता है कि चरण गुरुवार ने मनोहर से मुलाकात की और उन्हें एक अभेक तिजोरी शामिल करने के लिए और बनाने का ठेका दिया। तिजोरी पूरी होने के बाद चरण ने मनोहर को यहाँ पे नशीला पदार्थ पिलाया और अपनी जो उंगलियों के निशान का इस्तेमाल करके हीरे चुराने के लिए राजी कर लिया। यहाँ पे दोस्तों समूह बिना किसी लाभ के नृत्य प्रशिक्षक को यहाँ पे नियुक्त करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हताशा में नंदू चार्ली को एक मराठी बार जो है डांसर मोहिनी से मिलवाया जाता है जो चार्ली के अंग्रेजी उच्चारण से प्रभावित होती है और वह अंत तक उनके इरादों से अनजान है क्योंकि उन्हें नृत्य सीखने में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। चार्ली और मोहिनी बहुत करीब आ जाते हैं इस बीच। अब दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है कि वो पहले के दौर में यानी कि आहारता प्राप्त करने का प्रबंध करते हैं और अंत तक हैकिंग के माध्यम से वोट प्राप्त करके WDC में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने की प्रतियोगिता जीतते हैं। इसके बाद दोस्तों कई दर्शक जो है उनके कौशल की कमी के लिए उनका जो है तिरस्कार करते हैं, लेकिन चार्ली और उनकी टीम मोहिनी के बिना सभी जो है केवल यानी कि डकैती से चिंतित है। दुबई में टीम जो है कोरिया विशेष रूप से टीम इंडिया के प्रति शत्रुतापूर्ण है जिसमें उनमें प्रयोजक जो है गुरुवार भी शामिल है। इसकी वजह से सेमीफाइनल में चार्ली एक कोरियाई टीम के सदस्य को एक डांस स्टंट के दौरान गंभीर चोट से बचाता है। दर्शकों से तुरंत जो है सम्मान प्राप्त करता है और प्रशंसा प्राप्त करता है। योजना पर जाने के बाद सब कुछ जो है तैयार है। यहाँ पे दुर्भाग्य से टीम को पता चलता है कि हीरे जो है क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या पर पहुंचेंगे जो डकैती को रोका जाता है, जिसकी वजह से सौभाग्य से चार्ली की कार्रवाई से न्यायाधीश के प्रभावित होने के बाद जो है भारत फाइनल में पहुंच गया। एक दिन
डकैती के बारे में सुनकर मोहिनी खत्म हो जाती है और जाने के लिए मुड़ जाती है। चार्ली उसे सब कुछ बताता है और बताता है कि मनोहर वास्तव में मर चुका है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मुकदमे की अपील की, लेकिन दोस्तों गुरुवार ने मनोहर के वकीलों को रिश्वत दी और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। मनोहर ने पूरी उम्मीद खोते हुए अपनी कलाई काट ली थी। इसकी वजह से हालांकि इससे मनोहर का बदला लेने के लिए टीम का दृढ़ संकल्प बढ़ जाता है और वह एक खास से पल साझा करते हैं और जहां पे मोहिनी उनकी मदद करने के लिए फिर तैयार हो जाती है। अंतिम दौर के रात दोस्तों यहां पे डकैती शुरू होती है, लेकिन मोहिनी विक्की को लिफ्ट में यहां पे फुसलाती है। फुसलाने के बाद वहां पे उसे जो है खटखटाया जाता है और उसका अंगूठा जग धारा लिया गया है और यहाँ पे नंदू द्वारा उपयोग किया जाता है अंगूठा को, जो कक्ष जो है यानी कि खोलता है और यहीं पे टैमी जो है सफलता पूर्वक तिजोरी खोल लेता है। हालांकि दोस्तों चार्ली और यहीं पे टैमी को एक और जो है ग्लास से तिजोरी मिलती है जिसमें जो है हीरे रखे गए हैं। इसे मनोहर ने बनाया था और इसमें जो है 7 अक्षर का पासवर्ड था। चार्ली ने तिजोरी खोली और ये महसूस करते हुए कि तिजोरी खोलने का पासवर्ड उसका अपना नाम था। हीरे चुराने के बाद टीम नाव पर चढ़ जाता है, लेकिन मोहिनी आने से मना कर देती है और वह बताती है कि जीवन में सबसे जरूरी चीज़ है सम्मान। पूरा भारत उनका समर्थन कर रहा था और वह भारत का सम्मान खोने नहीं दे रही थी। रोहन भी उसका साथ देता है, जिससे बाकी सदस्यों के बीच जो है लड़ाई हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जब टीम इंडिया जो है गायब पाई जाती है तो गुरुवार का दावा है कि चोर वही है। मोहिनी मंच पर आती है इस बीच और कुछ जो है मिनटों के लिए अकेले ही परफॉर्म करती है। इसके तुरंत बाद टीम के अन्य सदस्य चौंकाने वाले गुरुवार दिखाई देते हैं। चार्ली अंत में प्रकट होता है और टीम जो है प्रतियोगिता जीत जाती है। चरण और यहीं पर विक्की जो है गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। चार्ली ने खुद को चरण के सामने प्रकट किया और उसकी जो है जेब में रख दिया था हीरा। उसी रेजर के साथ जो है ब्लेड से मनोहर ने उसकी कलाई काट दी थी और वह यहां पे देखता है कि पुलिस उसे ले जाती है। इसके बाद दोस्तों उसका बदला पूरा हो गया और टीम इंडिया जो है एयरपोर्ट पहुंच गई है। चार्ली अपने शीतल जो है पेय में हीरो को छलनी कर लेती है, लेकिन सुरक्षा गार्ड इसे नष्ट कर देते हैं, जिससे जो है टीम तबाह हो जाती है। हालांकि बाद में उड़ान के दौरान चार्ली ने खुलासा किया था कि उसने जो है नकली हीरो को असली के साथ ट्रॉफी पर बदल दिया था और टीम जो है भारत पहुँच जाती है। क्रेडिट के बाद के दृश्यों में नंदू को विजेताओं का चेक दिखाने के लिए बैंक से बाहर निकाल दिया जाता है। रोहन अंत में लड़कियों के बीच अपार के साथ जो लोकप्रियता हासिल करता है, जबकि दोस्तों यहाँ पे जग पहले बनाई जाती है। फिल्म का निर्देशक जो है करते हैं, जिसमें मूल निर्देशक बम नियंत्रक जो है होता है, जो जग ने पहले किया था। टैमी के पास अब कई जो है बुजुर्ग महिलाएं अपने नायक के रूप में उसका पीछा कर रही है। लंबी साझा पाने के बाद चरण और विक्की गुरुवार अब दुबई शहर की जेल में अपनी बेगुनाही की गुहार लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन मोहिनी अपना खुद का जो है डांस स्कूल खोल लेती है उन पैसों से और चार्ली एक हीरे से बने अंगूठी के साथ उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता। फिल्म इसी के साथ समाप्त हो जाती है। तो फैंस आपको इस फिल्म में ये कहानी देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप लोग हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। फैंस ये फिल्म आपको अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। फैंस वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं।